हाँ तो प्यारे चुन्नू एंड मुन्नू, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। आप सभी तो अच्छे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज मैं अस्वस्थ हूँ। मुझे भी 102 डिग्री फीवर है, लेकिन मजबूरन ना चाहते हुए भी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही प्रॉमिस कर रखा था कि वीडियो जो है वो टाइम पर आ जाएगी। इस वजह से मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट कर सकूं, ताकि जो मेरी अक्षमता है वो आप लोगों को दिक्कत ना डाले। और आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो सेशन है ना, इसमें हम लोग BPSC 142 को डिस्कस करेंगे, और इसका एक वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है। जिन भी छात्रों ने उस वीडियो सेशन को नहीं देखा है, कृपया करके चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, पहली वीडियो सेशन मिल जाएगी, वहाँ जा करके पहले वीडियो सेशन को देख लें, फिर आकर के दूसरे वीडियो सेशन को देखें, अच्छा लगेगा देख करके। और अगर किसी को खोजने में दिक्कत हो रही है BPSC 142 की पहली सेशन, तो मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो की जो लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी क्लिक करके अपने सीधे सीधे फर्स्ट पोर्शन पे, फर्स्ट वीडियो सेशन में जा सकते हैं और वीडियो को डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। खैर जो भी हो, और यहाँ पर जो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी लगा हुआ वो आप लोग देख लीजिएगा खुद ही, क्योंकि अभी मैं इतनी अच्छी परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल सकूँ, ये सब आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। देखिए, ये है BPSC 142 और ये है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। इस पर हम लोगों ने चर्चा करी थी, ये जो टाइटल है इस पर हम लोगों ने डिस्कशन पहले ही कर लिया है, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसमें कुल 5 खंड हैं, जिसमें शायद 15 इकाइयाँ हैं, जिसमें से कि हम लोगों ने शायद 3 या 4 इकाई का अध्ययन कर लिया था, और हम लोगों ने अंतिम क्वेश्चन कल के या पिछले वीडियो सेशन में डिस्कस किया था भारत रूस संबंध पे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था, अब सीधे आज चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि हमें आज क्या डिस्कस करना है। शायद अभी हम लोगों का जो डिस्कशन है ना, वो स्टार्ट होगा भारत चीन संबंधों से। चलिए देखते हैं, भारत चीन संबंध ही है क्या ये सब? हम लोग डिस्कस कर चुके थे भारत अमेरिकी संबंध, उसके बाद ये सब हो चुका था, भारत रूस संबंध हो गया था, भारत रूस रक्षा सौदा हो गया था, भारत रूस संबंध, हाँ तो ये हैं। भारत चीन संबंधों का उल्लेख कीजिए, अथवा आरंभिक चरण में भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए, भारत के लिए चीन के सामरिक महत्व की व्याख्या कीजिए, चीन के संबंध में सामरिक चिंता ची सॉरी चीन के संबंध में भारत की सामरिक चिंताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर अगर आपसे भारत चीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपसे पूछे कि भारत चीन के आर्थिक संबंध कैसे हैं, तब भी आपको यही आंसर करना है, या आपसे पूछे कि भारत चीन के सामरिक संबंध कैसे हैं, तब भी आपको यही आंसर करना है, या फिर आपसे पूछे कि भारत जो है वो चीन से अभी किस तरह से दूरियां बना रहा है उस पर टिप्पणी कीजिए, या फिर चीन कैसे अपनी चाल से भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है उस पर टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आंसर वही लिखना है जो कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेन मुद्दा है ना ये कि मैंने इसमें क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तबीयत खराब थी, मैं PDF को एडिट ही नहीं कर पाया हूँ, तो इस वजह से क्या है कि मैं जो PDF आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, उसमें क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े कम लग रहे हैं आप लोगों को, और क्या है ना कि थोड़ी बहुत जो डिज़ाइनिंग है वो भी थोड़ी गड़बड़ है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर नहीं देख सकते आप, ये वाला यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, जो इसकी जो क्या कहते हैं जस्टिफिकेशन इसका किया गया वो ठीक से नहीं किया गया। खैर हटाइए इन सब बातों को, अब चलते हैं सीधे डिस्कशन पर। तो देखिए, ये जो भारत और चीन है ना, इसका संबंध ऐतिहासिक है, ठीक है, ये हजारों साल पुराने संबंध है इसके। ऐसा है कि जो अपने देश में महात्मा बुद्ध हुए, जो कि जिनको कि यहाँ पर एक तरह से ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और इन्होंने जो महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, आज चीन में काफ़ी फल फूल रहा है ये बौद्ध धर्म। तो हम कह सकते हैं कि भारत और चीन का जो संबंध है वो हजारों साल पुराने हैं, और ऐसा है कि पुराने जमाने में भी, पुराने वर्षों में भी, जो आरंभिक इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि चीनी यात्री जैसे कि फाइयान हो गए, ह्वेनसांग हो गए, ये सब भारत आते रहते थे, और यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित जो जानकारी होती थी वो एकत्र करके भारत से चुरा करके ले जाते थे, या फिर वो लोग जो चीनी अनुयायी सॉरी जो बौद्ध अनुयायी होते थे वो लोग भी भारत आकर के बौद्ध शिक्षा इत्यादि ग्रहण करते थे। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत और चीन का जो संबंध है ना वो कई सालों पुराना है, हजारों साल पुराना है। अब हमें अभी डिस्कस करना है आधुनिक भारत और चीन संबंध के बारे में।
तो ऐसा है कि जो आधुनिक भारत चीन संबंधों की शुरुआत 1947 से होती है, जब भारत आजाद हुआ था। और ऐसा है कि उस समय चीन जो है माओ माओत्सेतुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार में था, और 1949 में उस समय मतलब चीन के अंदर माओ माओत्सेतुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो उसी समय से जो है ना भारत और चीन संबंध में है, और हमारे जो चीन के साथ रिश्ते हैं वो कभी ठीक रहे हैं कभी खराब रहे हैं। और जब चीन भारत सॉरी चीन जो है संयुक्त राष्ट्र में अपनी अस्थायी सदस्यता ले रहा था सुरक्षा परिषद के अंदर, तब भारत के द्वारा इस चीन की अनुशंसा की गई थी, और जो चीन को जो है ना राजनीतिक मान्यता दिलाने की शुरुआत भी अपने तरफ से भारत ने ही की थी। और भारत पहला गैर साम्यवादी राष्ट्र था जिसने चीन के लिए अपनी तरफ से वकालत की थी कि कम से कम वो जो है संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सुरक्षा परिषद के अंदर एक अस्थायी सदस्य बन जाए। और आज का सिचुएशन ऐसा है कि यही चीन जिसको कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर अस्थायी सदस्यता दिलाने में मदद की थी, आज यही चीन अपने वीटो का प्रयोग करके भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं दिला रहा और भारत का विरोध कर रहा है। और जो पहले प्रधानमंत्री थे ना अपने देश के, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और चीनी प्रधानमंत्री जो थे चाउ एन लाई के जो रिश्ते थे ना वो दोस्ताना थे। और लाओ नेहरू के बीच 1954 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसका नाम था पंचशील समझौता। और पंचशील समझौता के अंदर दोनों देशों ने ये लक्ष्य रखा था कि कम से कम जो मध्य एशिया वाले देश हैं और जो पश्चिमी या और भी जो देश हैं, कुल 18-20 देश के नाम है, जैसे कि कंबोडिया, लाओस हो गया, नेपाल, इन सब के साथ द्विपक्षीय वार्ता को बढ़ाया जाए। तो ये ऐतिहासिक पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर लाओ और सॉरी ये जो क्या कहते हैं चाउ एन लाई और नेहरू के बीच 1954 में हुए थे। और 1955 का दौर जब दोनों देश के नेता एक दूसरे देश में आते जाते थे, और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे, बार्डरिंग समझौते में भारत की यह कूटनीतिक भूल थी। ऐसा है कि 1954 में तो इन दोनों के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, 1955 में दोनों देशों के नेता आपस में एक दूसरे देश में आते जाते थे और कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, और उसी समय आपको बार्डरिंग समझौता हुआ था और यह भारत की एक भूल थी। चीन भारत से दोस्ती कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में हमेशा से जुटा रहा है। 1957 में भारत चीन व तिब्बत सीमा विवाद के चलते दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट आई। ऐसा है कि चीन जो है ये जो चीन है ना ये तिब्बत पर अपना अधिकार मानता है, ठीक है, और तिब्बत के एक नेता थे दलाई लामा, बौद्ध नेता है शायद, ठीक है। तो ये जो है चीन के इस कदम का विरोध कर रहा था, तो इससे क्या होता है ना कि ये जो चीनी जो सैनिक होते हैं ये दलाई लामा को मारने के लिए आते हैं, तो ये दलाई लामा भाग करके भारत आ जाता है और भारत इसको शरण दे देता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जो भारत और चीन के रिश्ते हैं ना वो थोड़े बहुत गड़बड़ा जाते हैं, और ये घटना होती है 1957, ठीक है, उससे उस समय से ये घटना हमें देखने को मिलती है। हालांकि जो 1954 में जो पंचशील समझौता हुआ था इसमें भारत ने स्वीकार किया कि तिब्बत पर जो है चीन का अधिकार है, लेकिन भारत सरकार ने ये भी कहा कि जो क्या कहते हैं तिब्बत के जो नागरिक हैं उसके साथ किसी भी प्रकार का दमन ना हो और उसको कोई नुकसान ना हो। भारत ने हालांकि समझौता किया था पंचशील पंचशील समझौते पे सिग्नेचर किया था, उसने ये माना भी था कि तिब्बत पर चीन का अधिकार है, और उनका कहना भी था कि तिब्बत की जो जमीन है वो चीन की है, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कतई नहीं कहा था कि तिब्बती नागरिकों के साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बातों को समझ गए होंगे। और ये जो है ना यहाँ पर लिखा भी गया, खाम्पा क्षेत्र में बुद्ध धर्म के भिक्षु दलाई लामा उस विद्रोह के मुख्य नेता थे जो कि भाग करके भारत चले आए थे और भारत सरकार ने उसे शरण दे दिया था। चीनी सरकार ने इस ये जो विद्रोह हुआ था दलाई लामा के नेतृत्व में, इस विद्रोह को कुचल दिया था सैन्य ताकत का उपयोग करके, और शरणार्थी के तौर पर दलाई लामा भारत में आकर शरण ले लिए थे। और ये था 31 मार्च 1959 को जो दलाई लामा है वो भारत पहुंचे थे, और चीन सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी कि आप दलाई लामा को वापस कर दीजिए, लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। और तब से जो है ना एक तरह की कटुता जो है वो भारत चीन संबंधों में हमें देखने को मिलती है। आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। और ये जो समय था 1959 के समय का जो काल था
वो बहुत ही खराब काल रहा। उसी समय से चीन और भारत के रिश्ते जो है ना समय दर समय बदलते रहे हैं, समय दर समय खराब होते रहे हैं। ये जो चीन भारत, ये जो है ना चीन, ये भारत से बदला लेने के लिए सैन्य अभ्यास में उसी समय से जुट गया। और हमेशा हम ये देखते आ रहे हैं कि चीन जो है समय समय पर भारत को स्थिर करने की कोशिश करता है। जैसे कि भारत चीन युद्ध हुआ था 1961 में, और इसमें भी चीन ने जबरदस्ती जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके को कब्जा लिया था। और इधर ही आपने देखा होगा क्या कहते हैं, शायद अरुणाचल प्रदेश विवाद था, डोकलाम शायद, हाँ यही था जगह। तो यहाँ पर भी चीन अपना अधिकार बताता है कि ये अपना हिस्सा मानता है चीन उसको। तो यहाँ पर भी थोड़े दिन के लिए विवाद हुआ था, जो चीनी सेना थी जबरदस्ती इधर तक घुस आई थी, लेकिन बाद में उसको भगाया गया, उसको निकाला गया। तो हम ये देखते हैं कि ये लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। आगे बढ़ते हैं, भारत चीन युद्ध की थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। जब दलाई लामा भारत में आकर शरण लिए थे और भारत सरकार ने उन्हें शरण दे दी थी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए 20 अक्टूबर 1962 को भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में लद्दाख की सीमा पर चीन ने आक्रमण किया था। और फिर चीन ने भारत के कुछ क्षेत्रों को कब्जा लिया था, लद्दाख के कुछ क्षेत्रों को कब्जा लिया था। और दलाई लामा को शरण देने का, या जो है ना मतलब दलाई लामा को जो शरण दिया था इंडिया ने, वह तो एकमात्र बहाना था। दरअसल वास्तव में चीन ये चाह रहा था कि किसी तरह अपनी शक्ति का प्रदर्शन वो उस समय में करे और भारत के कुछ क्षेत्र को कब्जा ले। और शायद अभी जो क्षेत्र जो कि भारत का क्षेत्र है, जो कि अभी चीनी चीन के कब्जे में, शायद वो अक्साई चीन कहलाता है। अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, याद नहीं आ रहा है, आप लोग चाहिएगा तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। और आई थिंक अक्साई चीन ही कहलाता। अब आगे बढ़ते हैं। इस आक्रमण से वह भारत को कमज़ोर साबित करना चाहता था, और ऐसा हुआ भी, वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हो गया। क्योंकि क्या कहते हैं, चीन जो है उस 1961 के युद्ध में हार गया, सॉरी जीत गया था। और इसके वजह से जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको झटका लगा था। क्योंकि चीन के जो जवाहरलाल नेहरू थे, सॉरी इंडिया के जो जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के जो प्रधानमंत्री थे, दोनों के आपसी अच्छे संबंध थे। लेकिन इस घटना से जवाहरलाल नेहरू को बुरा लगा और 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और ड्रैगन जो चीन का लोगो है, वो यहीं पर मतलब अपने आप को समाप्त नहीं करता, बल्कि 1965 और 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, तब चीन ने परोक्ष तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। और इससे उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो जो है कभी भी भारत का अच्छा मित्र नहीं हो सकता। अब देखिए, भारत चीन संबंध में कभी कभी सुधारों का दौर भी आया। जैसे कि वर्ष 1988 में, 1988 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे, तब इन्होंने चीन की यात्रा की थी। और राजीव गांधी ने कोशिश की थी कि कम से कम जो दोनों देश हैं ना, उनके बीच के जो रिश्ते हैं, उनके उनमें दरार जो है वो कम हो जाए। लेकिन ऐसा करने में वो बहुत हद तक सफल नहीं रहे थे। सन 1991 में प्रधानमंत्री जो चीनी प्रधानमंत्री थे ली पेंग, वह भी भारत आए थे और उन्होंने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का आश्वासन भी दिया था। वर्ष 1993-94 में प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव, वह भी सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए, चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए चीन तक पहुँचे और चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की भी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाए। 2003 में भारत ने चीन का तिब्बत पर दावा भी स्वीकार किया, मतलब कि हाँ, उन्होंने माना कि हाँ सच में चीन जो है, चीन का जो अधिकार क्षेत्र है वो तिब्बत को भी समाहित करता अपने अंदर। और 2005 में प्रधानमंत्री जिया बाओ ने भारत की यात्रा की तथा सिक्किम पर अपनी दावेदारी को नकारा। तो ऐसा है कि क्या कहते हैं कि 2005 में जो प्रधानमंत्री थे वो भी एक भारत के दौरे पर आते हैं और भारत से भी प्रधानमंत्री जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि बातचीत होती है। चीन जो है सिक्किम को अपना क्षेत्र बताता रहा है, कभी अरुणाचल प्रदेश को बताता है। तो चीन पागल है, चीन की बातों पे भरोसा नहीं करना। तो ऐसा है कि सिक्किम पर जो अपनी दावेदारी चीन बता रहा था, और इस वजह से भारत को ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो भारत ने बताया कि भैया ये जो आपके मंसूबे हैं ये गलत हैं। और जो ये थे ना, नवंबर 2006 में चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ भी भारत की यात्रा पर आए थे और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध को मजबूत करने की कोशिश की गई थी और सीमा विवाद को सुलझाने जैसे मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई थी। लेकिन उसका कोई सार्थक जो रिजल्ट है वो हमारे सामने निकल करके नहीं आया। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में भारत चीन संबंध कैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, हमेशा से जो है ना, चीन का भारत के प्रति रवैया कभी सकारात्मक नहीं रहा। जब भी भारत अमेरिका या अन्य किसी पूंजीवादी मुल्क के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, तब तब चीन के पेट में दर्द होता है, क्योंकि चीन जो है वो साम्यवादी शासन को सहेजता है, साम्यवादी शासन को बढ़ावा देता है, और भारत जो है साम्यवादी शासन को नकारता है। ये लोकतंत्र में विश्वास करता है, ठीक है, और पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था है। तो जब भी भारत अपने किसी पूंजीवादी देश के साथ संबंध साधने की कोशिश करता है, तो चीन को इससे बुरा लगता है, चीन के पेट में दर्द हो जाता है। और चीन जो है ना, वास्तव में एशिया महाद्वीप के अंदर केवल और केवल भारत को ही अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है, क्योंकि भारत भी एक विशालतम देशों में से गिना जाता है। तो इस वजह से चीन जो है एशिया के अंदर भारत को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है, और इसी वजह से जब जब भारत जो है विदेशों से या दूसरे पूंजीवादी देशों के साथ अपने संबंध बनाने की कोशिश करता है, तब तब चीन जो है ना पाकिस्तान को या फिर अन्य जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसको उकसाता है कि भैया तुम जो है भारत विरोधी कार्य करो। जैसे कि चीन क्या करता है, पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद देता है, साथ में श्रीलंका को देता है, म्यांमार को देता है, बांग्लादेश को देता है, भूटान को देता है, नेपाल को भी ये आजकल देना स्टार्ट कर चुका है, नेपाल को भी ये भारत विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग करता है, ठीक है। और पाकिस्तान में जो आतंकवादी पलते हैं उसको आर्थिक सहायता देकर जम्मू कश्मीर में भी अशांति फैलाने का काम चीन करता आया है, ठीक है। तो मेरी बातों को अब आप लोग समझ गए होंगे। और भारत की कई सामरिक एवं आर्थिक परियोजनाओं पर टांग अड़ाने का काम हमेशा चीन करता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत की अस्थायी सदस्यता की जब बात आती है तो हर बार चीन जो है अपने वीटो का प्रयोग करता है। और चीन जो है भारत को घेरने की कोशिश हर तरफ से करता है, और हमेशा ये पड़ोसी देशों को उकसाता रहता है। जैसे कि क्या हुआ था कि हफीज सईद को जब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की बात चल रही थी, भारत इसका समर्थन कर रहा था, तब चीन रोड़ा बनकर विश्व के सामने आ गया था, और जो है हफीज सईद को आतंकवादी घोषित उस समय नहीं करने दिया गया था चीन की ओर से। और जो ये भारत चीन का जो ये सीमा विवाद है जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ, लद्दाख के आसपास जो है लद्दाख सीमा विवाद, जो अक्साई चीन वाला शायद मैटर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश वाला मैटर है, ठीक है, डोकलाम है शायद ये जगह, फिर सिक्किम वाला मैटर, ये सब विवाद इसका 1968 से चल रहा है, और चीन कभी भी इस पर कोई किसी भी प्रकार का हल जो है वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये जो समस्याएं हैं इसी तरह बनी रहे और उसको फायदा होता रहे। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि चीन जो है ना बौखलाहट में कुछ भी कह देता है, कभी कहता है भैया सिक्किम हमारा है, कभी कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, कभी कहता है जम्मू कश्मीर हमारा है, कभी कहता है पूरा भारत ही हमारा है। भाई ये तो मजाक ही हो गया ना, मतलब कुछ भी। तो ये सब मुद्दा है, खैर इन सब बातों से आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत चीन संबंध 2022। तो 2022 में जो है भारत और चीन के संबंध कैसे रहे हैं, तो ऐसा है कि भैया 2022 में भारत और चीन के संबंध ठीक नहीं रहे हैं। सिक्किम क्षेत्र में, नहीं सॉरी, अरुणाचल प्रदेश वाला जो मैं बता रहा था वो गलत था, सिक्किम क्षेत्र में था डोकलाम विवाद, मैं तभी से गलत ही बता रहा था, माफी चाहूंगा इसके लिए, मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था, मैंने भी आपको कहा ना क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो सिक्किम क्षेत्र में डोकलाम विवाद था, और यहाँ पर क्या हुआ था कि 2022 में चीन की सेनाएं और भारत की सेनाएं लगभग 73 दिनों के लिए आमने सामने हो गई थी। ऐसा था कि चीनी सेनाएं भारतीय सीमा के अंदर घुस गई थी और भारतीय सीमाओं को सिकोड़ने का काम करने लगी थी। इस वजह से भारतीय और चीनी सेनाएं 73 दिनों के लिए सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र में आमने सामने आ गई थी, ठीक है। अब देखिए, ऐसा है कि 2018 से ही, जब से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर शी जिनपिंग मिले हैं, तब से दोनों दोनों नेताओं के बीच हालांकि थोड़े बहुत संबंध अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री इतने दिनों में 4 बार चीन की यात्रा पर भी जा चुके हैं, और जिनपिंग जी भी 2 बार भारत की यात्रा पर आए हैं। इसके अतिरिक्त जो चीनी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री हैं वो भी चीनी यात्रा पर और भारत यात्रा पर आ चुके हैं, साथ में भारत के राष्ट्रपति भी चीन यात्रा पर गए। इसके माध्यम से ये कोशिश की गई कि किसी तरह से राजनीतिक विश्वास की बहाली हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भारत बार बार नरमी बरत रहा है चीन के प्रति, लेकिन ये जो है एक तरह से भारत अपने लिए ही कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने लिए ही ये समस्याएं क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और कोरोना काल के और उसके बाद के जो विश्व में भारत और चीन के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी तनातनी भरे रहे हैं। दक्षिणी चीन सागर विवाद भी एक तरह से समस्याओं का कारण है।
क्योंकि भारत और अमेरिका मानता है कि जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें चीन का जो अस्तित्व है वो बढ़ता जा रहा है और ये गलत है। और भारत, अमेरिका और जो बाकी देश है जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसका विरोध करते हैं, तो चीन को ये चीज़ें भाती नहीं है, ठीक है। फिर लद्दाख सीमा पर LAC विवाद चल रहा है, यह भी इसकी भी जो एक तरह से कोई हल हमें देखने को नहीं मिला है, इसका भी कोई हल हम अब तक नहीं देख पा रहे हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वार्तालाप का दौर बहुत लंबा चल चुका है, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते अभी भी तल्ख पड़े हैं और कुछ भी सुधार अब तक देखने को नहीं मिलते। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे और ये प्रश्न इसी के साथ समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान संबंधों का उल्लेख कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे संबंध है, इनका उल्लेख आपको करना, ठीक है। या फिर आपको, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत चीन संबंध, सॉरी, भारत पाकिस्तान संबंधों के आरंभिक चरण कैसे थे, उस पर बात कीजिए। पाकिस्तान के संबंध में भारत की सामरिक चिंताओं पर प्रकाश डालिए। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान आर्थिक संबंधों का उल्लेख कीजिए। भारत का संबंध अभी वर्तमान में पाकिस्तान के साथ कैसा है, उसका उल्लेख कीजिए। या इनडायरेक्टली मैं ये कहूँ कि अगर आपसे भारत पाकिस्तान से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछ दें तो आपको यही उत्तर लिखना है जो कि अभी मैं आपको बताऊँगा। ऐसा है कि अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की नीति है ना, इसके परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 14 अगस्त 1947 को। ठीक एक दिन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को भी स्वतंत्रता मिली। इससे पहले 15 अगस्त 1947 या फिर कह लीजिए कि 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का कोई भी क्षेत्र जो है इस विश्व के मानचित्र पर नहीं था। और पाकिस्तान जो है वह कब आई अस्तित्व में, तो 14 अगस्त 1947 को। इसके पीछे किसकी नीति थी, तो जिन्ना की स्वार्थी नीति थी, क्योंकि जब 1900 का दशक स्टार्ट हुआ था उसी समय से जिन्ना ये चाह रहे थे कि वो कम से कम भारत को हिंदू और मुस्लिम में तोड़ दें और एक नए राष्ट्र का निर्माण करें पाकिस्तान, जिसके कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हो वो खुद हो, ठीक है। अब वो तो हो गया इतिहास, अब अभी की बात कर लेते हैं। जब इमरान खान की सरकार थी पाकिस्तान में, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में कई उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। जैसे कि उरी और पठानकोट हमला हुआ, दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब हुए। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक करके मूवी भी है, उसके बाद पठानकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। तो इस तरह से क्या है कि एक तरह से दोनों देशों के संबंध घबराए, दोनों देशों के संबंध गड़बड़ाए, ठीक है। और इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के राजनयिक संबंध भी खराब हुए। हालांकि कोरोना महामारी के दरमियान भारत ने अपने पड़ोसी देशों को फ्री वैक्सीन नीति के तहत पाकिस्तान को भी वैक्सीन दिलाई थी, पाकिस्तान को भी वैक्सीन दी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसेंशियल चीज़ें हैं, जो मेडिकल सप्लीमेंट है, इसके अलावा किसी भी तरह का उत्पाद जो है अभी भी भारत से पाकिस्तान नहीं जाता है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने पूरी तरह से इस पर रोक लगा कर रखी है। इधर रिसेंट में एक घटना भी हुई थी, फाइटर प्लेन चालक थे अभिनंदन, शायद अभिनंदन ही थे। तो अभिनंदन क्या हुए थे कि सर्जिकल स्ट्राइक के दरमियान पाकिस्तान जा गिरे थे, और ये वाला मैटर भी बहुत लंबा चला था और इससे भी पाकिस्तान की बेइज्जती किरकिरी हुई थी। इस वजह से भी पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अभी हमें अच्छे देखने को तो नहीं मिलते। उसी के साथ साथ अभी रिसेंट में पिछले साल 2020 में, शायद 2020 में, हाँ 2020 या 21 में जो भी हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A समाप्त किया गया। तो इससे क्या हुआ कि आतंकवादी जो गतिविधि पाकिस्तान कर रहा था उस पर लगाम लग गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान इससे भी नाराज़ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़े बहुत इतिहास को। हमेशा जो है पाकिस्तान और भारत अपने आप को सगे भाई कहते रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों का जन्म विभाजन के पश्चात ही हुआ है। हालांकि भारत पहले से ही मानचित्र पर था, लेकिन पाकिस्तान की जो मानचित्र पर जो तस्वीर हमें देखने को मिलती है वो तो विभाजन के बाद देखने को मिलती है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को सगे भाई समझते हुए रहे हैं, लेकिन शुरुआत से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है कटुतापूर्ण रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, कश्मीर के उस पार से क्या करता है कि समय समय पर आक्रमण करवाता रहता है। और इसका जो बीज जो है वो 22 अक्टूबर 1947 को ही बोया गया था, जब भारत ने सॉरी भारत के जम्मू कश्मीर हिस्से को पाकिस्तान ने अन्यायपूर्ण तरीके से दबा लिया था। हुआ क्या था कि कबीलाओं के द्वारा पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया था, और उसके बाद ये हुआ कि एक तरह से उसी समय से
पाकिस्तान और भारत जो है कभी एक साथ नहीं हो पाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्या कहते हैं पाकिस्तान है, ये हमेशा से कभी चीन के साथ मिलकर के, कभी अमेरिका के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है। ठीक है, और दोनों देशों के बीच करीब 4 बार युद्ध हो चुके हैं। 4 बार युद्धों की विभीषिका पाकिस्तान और भारत ने देखी है। सीमा पार दोनों ओर की जो जनता है वो कभी भी अमन चैन से अपना जीवन नहीं जी पा रही है। अभी भी पाकिस्तान हर वक्त ये चाहता है कि कैसे भारत के मामलों में टांग अड़ाई जाए। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध और विवाद के बारे में। पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से पीओके पर कब्जा कर रखा है। जो कबीलाइयों का आक्रमण हुआ था जम्मू कश्मीर पर, तो उस समय पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को हड़प लिया था, जिसके जिसको उन्होंने पीओके का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम आज गुलाम कश्मीर के नाम से जानते हैं और जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ठीक है, तो अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया और साथ ही वहां से कश्मीर घाटी में आए दिन घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया। ठीक है, और ये जो घुसपैठ और आतंकवाद का जो कार्य है वो पाकिस्तान की सेना की ओर से किया जाता है, ताकि पाकिस्तान की सेना की जो राजनीति है वो जो है पाकिस्तान के ऊपर कायम रहे। इस वजह से ऐसे जो बेकार के कारनामे जो है वो पाकिस्तान की ओर से हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। अप्रैल 1965 में पाक के कुछ घुसपैठियों ने क्या किया था, तो कच्छ के रण, गुजरात के जो कच्छ के रण हैं और कश्मीर में घुसपैठ की थी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में थे, अपने भारत के अंदर प्रधानमंत्री थे, तो इनके कुशल नेतृत्व में पाक की इस हरकत का जवाब दिया गया था और सैन्य कार्रवाई अपने भारत की ओर से की गई थी। और यही 1965 में भारत पाक युद्ध में बदल गई थी। अप्रैल के बाद मई के आसपास, या मई, हाँ मई के आसपास ये भारत पाकिस्तान युद्ध में बदल गई और 4 महीने तक ये युद्ध चला था। दोनों देशों के बीच जंग चली थी। 22 अक्टूबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ जब इस मामले पर दखल देता है तब युद्ध समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो अपने हथियार डालकर भाग चुके थे। तकरीबन 7-8 माह बाद सोवियत संघ जो रूस था उस समय भारत का प्रिय परम मित्र था, और सोवियत संघ के बदौलत या सोवियत संघ के मध्यस्थता की वजह से भारत पाक समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को, जिसको हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन इस समझौता के लिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जब वो ताशकंद गए थे तो ताशकंद में ही उनकी मृत्यु रहस्यमयी तरीके से कर दी गई थी। अब इसके पीछे क्या कारण थे, इसका कोई एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो अब तक हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, ना ही किसी इतिहास में देखने को मिलता है। लेकिन जो शक के आधार पर यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मरवाने में उसके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री बहुत फेमस हो रहे थे, अच्छे नेता थे, कद्दावर नेता थे उस समय के, और एक तरह से शांत विचारधारा के नेता थे, और कांग्रेस जो है वो एक तरह से सिंडिकेट और इंडिकेट में टूट रही थी। तो क्या था ना कि कांग्रेस जो इंडिकेट इंडिकेट यस हाँ इंडिकेट वाले शायद नहीं सिंडिकेट वाले शायद सिंडिकेट वालों ने इस हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मरवाने का काम किया था। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ मिलकर ऐसा किया था। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की उच्च स्तर की मिली भगत थी, इस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कर दी गई थी। तो आप लोग इन सभी बातों को समझ गएंगे। अब 1965 का जो युद्ध है वो तो हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बारे में। जो समझौता हुआ था ताशकंद का, उसके कुछ साल तक किसी भी तरह की कोई समस्या भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं थी। कुछ साल शांतिपूर्ण बीते, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में याहिया खान के अत्याचारों के कारण गृह युद्ध शुरू हो गया। वहां से बांग्लादेशी भारत में आकर शरण लेने लगे और नई दिल्ली में आने वाले बांग्लादेशियों की संख्या लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई। भारत ने उन्हें खाने पीने और अस्थायी रूप से रहने के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई, और ये चीज़ पश्चिमी पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा और पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। और क्या हुआ कि 1971 में दोबारा से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। अब देखिए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का फंडा क्या है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले मैं इन सब चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। देखिए अपना भारत यहाँ पे है, मानचित्र में अच्छा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं भारत है ये। ठीक है, इस साइड है, देखिए आप लोगों को भी पता होगा, ऐसे अगर हम
मानचित्र पर बात करें तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दायां हाथ होता है पूरब और बायां हाथ होता है पश्चिम। और भारत एक विशाल भूखंड था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 15 अगस्त 1947 से पूर्व, तो उसमें पाकिस्तान इधर से भी सम्मिलित था। और यहाँ पर एक सेकेंड, मैं यहाँ पर अच्छे से बनाता हूँ। यहाँ पर एक भूखंड था, ये भी भारत के अंदर सम्मिलित था, ठीक है। तो ऐसा है कि जब पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो पाकिस्तान को दो भाग मिले थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान, ये वाला जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। तो दोनों देश एक ही थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन दोनों के बीच में भारत पड़ता था और इस वजह से दोनों देशों के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कत आती थी और आए दिन पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में थोड़ी बहुत झड़पें देखने को मिलती थी, ठीक है। तो याहिया खान करके कोई नेता थे जिसका अत्याचार पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, मतलब वर्तमान के बांग्लादेश के अंदर, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो पूर्वी पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे वो दिल्ली में आकर शरण ले लिए थे, और शरण लेने के बाद जो दिल्ली की सरकार थी या फिर जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार थी, उन्होंने इन लोगों को शरण दिया था और फिर खाने पीने की चीज़ें मुहैया करवाई थी। इससे क्या होता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के पेट में दर्द उखड़ जाता है, पश्चिमी पाकिस्तान क्या करता है, भारत के ऊपर हमला कर देता है, और यहीं से भारत पाक युद्ध जो है 1971 की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग होती है 2 दिसंबर 1971 को, भारतीय एयरबेस पर पाकिस्तान की ओर से हमला कर दिया जाता है और भारतीय सेना पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए, इस कार्रवाई के लिए मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि इस मुंहतोड़ी जवाबी कार्रवाई में कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की सेना घुटने टेक देती है और पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से भारत अलग कर देती है, या फिर पूर्वी पाकिस्तान खुद ही अलग होना चाहता था। तब क्या होता है कि जब पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाएं भाग खड़ी होती है, तब एक नए राष्ट्र के रूप में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में मान्यता मिल जाती है और बांग्लादेश अलग राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पटल पर उभर करके सामने आ जाता है, ठीक है। एक सेकंड, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, मैं थोड़ा चार्जर ओपन कर देता हूँ, तब मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। चलिए, चार्ज में लग चुका है, ठीक है। अब चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में जो ये फंडा हुआ, यह भी एक तरह से आज तक भारत पाकिस्तान के संबंध में कटुता का कारण रहा है। और जो ये युद्ध हुआ था, इंडिया पाक वार 1971, इसके लिए भी एक समझौता हुआ जिसको शिमला समझौता के नाम से जाना गया, और ये हुआ था 3 जुलाई 1972 को। इस समझौते में भारत ने पाकिस्तान को वो सभी जगह लौटा दिए जिस पर कि उसने थोड़े बहुत जीत हासिल किए थे, और 90,000 सैनिकों ने इस समय सरेंडर किया था पाकिस्तान का, ये सब भारत ने पाकिस्तान को सौंप दिए। और ऐसा अभी के राजनीतिज्ञ ये मानते हैं कि भारत की ये सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। तो मेरे मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ और 1972 में जो शिमला समझौते हुए, इसके बाद दोनों देशों के बीच सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक संबंध सुधार के कगार पर थे। फिर क्या होता है कि अचानक से 1979 में सोवियत संघ या फिर जो सोवियत रूस था, ये सॉरी अफगानिस्तान पर हमला कर देता है। अब चूंकि भारत जो है स्टार्टिंग से ही सोवियत रूस का मित्र था, तो भारत क्या करता है कि रूस का समर्थन कर देता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का समर्थक था, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का समर्थन कर देता है। फिर से क्या होता है कि दोनों देशों के बीच एक तरह की कटुता फिर से पनपने लगती है, क्योंकि सोवियत संघ का पक्षधर था भारत और अफगानिस्तान का पक्षधर था भारत, सॉरी पाकिस्तान। तो अब दोनों के बीच में फिर से संबंध बुरे होने लगते हैं। 1985 में भारत की ओर से एक बार फिर मित्रतापूर्ण संबंधों की पहल की गई, लेकिन भारत का यह प्रयास कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ऐसा है कि कुछ वर्ष बाद, जब 1998 में भारत ने पोखरण में ये क्या कहते हैं, अपना परमाणु परीक्षण किया था, तो ये बातें अमेरिका को अच्छी नहीं लगी थी और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी ये ठीक नहीं लग रहा था। तो इससे क्या हुआ कि फिर से दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो कटु हो गए।
तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे ना अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने भारत के संबंधों को सुधार, भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधार करने की कई कोशिश की। उसमें से एक कदम इसने उठाए थे और वो कदम ये था कि 1999 में लाहौर बस यात्रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से शुरू की गई थी, जो कि ये जो बस यात्रा थी ये अमृतसर से लाहौर जाती थी, लेकिन यह भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान हमेशा अपनी पॉलिसी के तहत काम करता रहा और भारत के तमाम प्रयासों के बावजूद आज तक जम्मू कश्मीर में घुसपैठ जारी है, और ये जो घुसपैठ है इसमें हमेशा पाकिस्तान का हाथ रहता है। और इसी घुसपैठ का एक नतीजा ये रहा कि भारत पाकिस्तान के मध्य एक और युद्ध हुआ, जिसे हम लोग कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में भी पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी थी, और इससे भी भारत पाकिस्तान के संबंध बहुत ख़राब हुए थे। अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन 2000 के बाद भारत पाक के बीच कैसे संबंध रहे, हम लोगों को उस पर डिस्कशन करना है। देखिए, दोनों देशों में संबंध को सुधार लाने के लिए, दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार लाने के लिए 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच आगरा में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में ये बात चलती है कि कश्मीर जो है वो भारत को दे दिया जाए, जो कि वो गुलाम कश्मीर है वो भी भारत को दे दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान इस बात पे अड़ा रहता है कि भैया ये कश्मीर हमारा है। इस वजह से ये जो सम्मेलन होता आगरा का वो सफल नहीं हो पाता, और जो समझौता होता वो भी बेनतीजा हो जाता है, और इस वजह से दोनों देशों के संबंधों में दरार आती है। फिर क्या होता है कि 2001 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी क्या करते हैं, भारतीय संसद भवन पर हमला कर देते हैं, और फिर वर्ष 2003 तक इस वजह से दोनों देशों के बीच के जो संबंध होते हैं वो खराब रहते हैं। ठीक है, और माफी चाहूंगा मैं दोस्तों, खांसी सर्दी फीवर सब है, क्या बताऊं, 102 डिग्री अभी फीवर है, टेबलेट लिए हैं मैंने अभी जस्ट, मतलब वीडियो सेशन स्टार्ट होने से पूर्व मैंने पैराजेसिक 650 लिया हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी फीवर टूट जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि वो जो क्या कहते हैं लाहौर और अमृतसर की जो बस सेवा स्टार्ट की गई थी, जो कि बंद हो गई थी, वो फिर से 20 जनवरी 2006 को स्टार्ट की जाती है। और इससे ये होता है कि जनता के बीच, जो दोनों देशों की जनता होती है, इन दोनों के बीच ये उम्मीद जगती है कि अब भारत और पाकिस्तान के संबंध ठीक होंगे। लेकिन 26 नवंबर 2008 को फिर से भारत के मुंबई में ताज होटल पर हमला होता है, और ये हमला होता है पाकिस्तान के आतंकवादियों की ओर से, और फिर दोनों के संबंध जो है, पाकिस्तान और भारत के संबंध, वो ख़राब हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ जो ये मित्रता होती है, ऐसा लगता है जैसे कि सांप को दूध पिलाने जैसा हो गया है। आई होप आप लोग इतना समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे वर्तमान में भारत और पाक संबंधों के बारे में। तो ऐसा है कि सन 2000 से लेकर के 2018 तक भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को हर मौके पर, उन्हें और विश्व को सबूत पेश किए जाने के उपरांत भी पाकिस्तान द्वारा इसे रोकने के बजाय आतंकवाद को पोषण देकर हर तरह की सुविधाएं देने में ये जुटा हुआ। मतलब 2000 से लेकर के 2018 तक भारत ने हर वैश्विक मंच पर ये दिखाया है कि पाकिस्तान जो है ये आतंकवादियों को समर्थन करता है, आतंकवादियों का समर्थन करता है, आतंकवादियों को पालता पोसता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और वो हर मंच पर एक ही गीत गाता है कि भैया कश्मीर हमारा है, हर मंच पर एक ही राग अलापता है, कश्मीर का राग, और हर मंच पर एक ही चीज़ से संबंधित मुजरा करता है, कश्मीर से संबंधित मुजरा। और इस वजह से भारत पाक के संबंध में कभी भी सुधार हमें देखने को नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 2016-17 में उरी और पठान एयरबेस पर आतंकवादी हमला हुआ, फिर 2018 में आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों देशों के बीच जो तनातनी के माहौल है वो बने हुए हैं। कुलदीप यादव मामला भी दोनों देशों के बीच एक तरह से राजनीतिक संबंधों में खटास का कारण रहा है। ये कुलदीप यादव का मामला है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा मामला है। इसके बारे में अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बेचारा निर्दोष है। ये कुलदीप यादव हमारे भारत देश का रहने वाला है, ठीक है, और ये गलती से पहुँच गया था पाकिस्तान, और ये जो कुलदीप यादव है इसको पाकिस्तानी आर्मी मानती है कि यह एक तरह से भारतीय एजेंट था, इसने पाकिस्तान से कुछ डेटा चुराने का काम किया है। और कुलदीप यादव को जेल में बहुत दिनों तक बंद रखा गया, और अभी भी शायद बंद है वो पाकिस्तान के जेल के अंदर, और क्या है कि पाकिस्तान इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और इस कुलदीप यादव का मामला अभी वैश्विक न्यायालय में, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उस न्यायालय में चल रहा है, तब भी पाकिस्तान इस बेचारे कुलदीप यादव को छोड़ने को तैयार नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत और पाकिस्तान के संबंध को काफ़ी मैत्रतापूर्ण बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुखी खाई, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को न्योता दिया, नवाज शरीफ के कार्यक्रम में भी मोदी जी अचानक पहुंच गए, फिर भी हमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट अब तक देखने को नहीं मिला है। और जो भारतीय सेनाएं हैं जो कि आए दिन कश्मीर के घुसपैठ को रोकती रहती है, तो वो समय दर समय सर्जिकल स्ट्राइक करती रहती है, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि भारत जो है वो दोस्त के साथ दोस्ती निभाता है और दुश्मनों के साथ दुश्मनी निभाता है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इन प्रश्नों को भी सॉरी इस प्रश्न के उत्तर को भी समझ गए होंगे। अब अगला जो प्रश्न है वो है भारत बांग्लादेश संबंधों का उल्लेख कीजिए। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों के बारे में। खैर, आगे डिस्कशन से पूर्व मैं थोड़े देर के लिए एक ब्रेक लेता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ, तभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। गला सूख रहा है, ठीक है, फीवर बहुत मतलब परेशान किए हुए है मेरे को, 102 डिग्री, और बोलने में और आँख में जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जलन हो रही हो, तो दिक्कत आ रही है। खैर चलिए हटाइए मारिए इन सब बातों को। चलिए अब मैं अपने प्रवचन को आगे बढ़ाता हूँ। आगे जो मैं प्रवचन दूंगा उससे पहले एक छोटा सा ऐड मैं कर देता हूँ यहाँ पे। एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरह से है कि ऊपर में लिखा हुआ है कि इग्नू सॉल्व असाइनमेंट में, इग्नू टिप्स असाइनमेंट डील करती है, हैंड रिटन असाइनमेंट में, गाइड बुक्स में, हेल्प बुक्स में, नोट्स, सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इन सब चीज़ों में इग्नू टिप्स असाइनमेंट डील करती है। जिनको भी चाहिए वो व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर इग्नू टिप्स असाइनमेंट डॉट कॉम की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं वहाँ पर, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं इग्नू टिप्स असाइनमेंट info@gmail.com पे, तो वहाँ से भी आप अपने रिक्वायर्ड मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। और आप जो है ना मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और वो है यहाँ पर लिखा हुआ मोहनिश आर्यन, नीचे एक छोटा सा डैश है, तो आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके रिक्वायरमेंट सॉरी जो आप जो भी आपकी क्वेरी होगी ना उसको मैं इंस्टाग्राम पर सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है। जिनको भी कोई भी क्वेरी है वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो करके अपनी क्वेरी के सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है और जो न्यूज़ है वो भी मैं अपने इंस्टा प्रोफाइल पे अपलोड कर दिया करता हूँ, जिनको भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ चाहिए वो वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। और जो प्रोडक्ट या फिर जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल आपको चाहिए उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9523779253 पे। खैर अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग भारत बांग्लादेश संबंधों को। बांग्लादेश के उद्भव की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और इसकी चर्चा मैं अभी जस्ट ऊपर में कर चुका हूँ जब हम लोग भारत पाकिस्तान के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अभी जो क्षेत्र बांग्लादेश कहला रहा है ये कई वर्ष पूर्व भारत का हिस्सा हुआ करता था और भारत के बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। और यह क्षेत्र मुख्यतः उन्हीं साम्राज्यों द्वारा शासित हुआ करता था जिन्होंने मध्य भारत पर शासन किया था। मतलब ऐसा है कि जो मध्य भारत जो मध्यकालीन भारत है उस समय जो शासक हुआ करते थे उन्हीं शासकों के द्वारा इस बांग्लादेश के क्षेत्र पर शासन किया जा रहा था। अंत में जब वर्ष 1526 से 1858 का रहा यहाँ पर मुगलों का शासन रहा, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तब उन्होंने भारत और उनके आसपास के क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का काम किया और साथ में भारत को तोड़ने का काम भी किया। और जब ये अंग्रेज़ भारत पर आधिपत्य स्थापित कर रहे थे या फिर भारत पर कब्जा कर रहे थे या उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर रहे थे, तब इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने बांग्लादेश पर भी कब्जा किया था। वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब बंगाल के इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान का हिस्सा माना गया और इसे पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया। मतलब बंगाल जो है ना आप ये देखते होंगे जब भारत के मानचित्र को आप देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला रीजन, ठीक है, ऊपर में भूटान देखने को मिलता है, यहाँ पर सेवन सिस्टर्स ऑफ स्टेट पूर्वी भारतीय राज्य देखने को मिलते हैं, और यही जो है ना ये वाला ये जो आपको ब्लैंक रीजन दिख रहा है यही बांग्लादेश का रीजन है, ठीक है, और यहीं पर बंगाल है। तो उस समय इस बांग्लादेश को बंगाल का हिस्सा माना जाता था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ भारत का विभाजन हुआ तो एक पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र कहला गया और दूसरा जो ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका था इसके मुस्लिम बाहुल्य इलाके के होने की वजह से क्या किया गया तो बांग्लादेश से इसको अलग करके पूर्वी पाकिस्तान का नाम दे दिया गया और पूर्वी पाकिस्तान को भी पश्चिमी पाकिस्तान का एक हिस्सा मान लिया गया।
ठीक है। लेकिन बाद में जब युद्ध होता है 1971 का, तब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर करके हमारे सामने आता। देखिए, पूर्वी पाकिस्तान काफी विषम परिस्थितियों में था। वह न केवल भौगोलिक रूप से समकालीन पाकिस्तान से अलग था, क्योंकि जो मेन पाकिस्तान था वो तो पश्चिम की ओर था, और जो छोटा पाकिस्तान जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं वो तो पूरब की ओर था, और वो भारत के बीच में फंसा हुआ था, भारत था बीच में। तो दोनों के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कत हो रही थी, और जो मुख्य पाकिस्तान था ना उसकी जातीयता और भाषाएं थोड़ी बहुत अलग थी, थोड़ी बहुत कह ले या फिर बहुत अलग थी पूर्वी पाकिस्तान से। तो पूर्वी पाकिस्तान काफी विषम परिस्थितियों में था और अपने आप को असहज महसूस कर रहा था पश्चिमी पाकिस्तान के साथ। और इसी विषमता के कारण पूर्वी पाकिस्तान में जो ये बांग्लादेश वाला सॉरी बंगाल जो है बांग्लादेश जो है अभी इसमें संघर्ष आरंभ हो गया था, ठीक है। और 1958 से लेकर के 1962 और 1969 से लेकर के 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ देखने को मिला। और 1970-71 में जब पूर्वी पाकिस्तान में संसदीय चुनाव हो रहे थे, तब वहां पर एक अलगाववादी दल था, आवामी लीग। उस दल ने क्या किया, तो उस क्षेत्र में जितनी भी आवंटित सीटें थी सभी जीत ली और अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र दिखाने की कोशिश इस आवामी लीग ने की। अब क्या होता है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच वार्ता होती है, मतलब चूंकि ऐसा है कि अलगाववादी दल ने तो सारी सीटें जीत ली थी पूर्वी पाकिस्तान की, अभी अपने आप को एक नए देश के रूप में परिणत करना चाह रहे थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान को ये नागवार गुजर रहा था। तो क्या होता है कि दोनों देशों के बीच वार्ता चलती है, मतलब देश तो एक ही होता है, मतलब देश के दो भागों के बीच वार्ता चलती है, एक पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग, दोनों के बीच वार्ता चलती है। लेकिन दोनों के बीच की जो वार्ता होती है, जो जो बातें होती है वो विफल रहती है। तब 27 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से जो पश्चिमी पाकिस्तान से है उससे अपने आप को अलग करने की घोषणा कर दी और बांग्लादेश के रूप में अपने देश को स्थापित करने की कोशिश की। और ये था समय 27 मार्च 1971 को। और क्या हुआ कि ये जो तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान था, जो मुख्य पाकिस्तान था, इसने अलगाव को रोकने के पूरे प्रयास किए, इसके विरुद्ध जंग की शुरुआत हुई। लेकिन बाद में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का समर्थन किया, या फिर यूँ कह लीजिए कि बांग्लादेशियों का समर्थन किया, और 11 जनवरी 1972 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बन गया। अब हम लोग बात करते हैं भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं या जो द्विपक्षीय सहयोग है, इसकी शुरुआत होती है 1971 से, क्योंकि 1971 में भारत ने बांग्लादेश को बांग्लादेश बनने में मदद की थी। बांग्लादेश तो पहले था नहीं, पूर्वी पाकिस्तान था। तो जब भारत ने बांग्लादेश को बनने में मदद की थी, तब से इन दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत होती है। और ऐसा है कि ये जो भारत और बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच में भावनात्मक संबंध भी हमेशा से बना रहा है, ठीक है। और किसी भी देश के लिए ये जरूरी होता है कि उसके उसके जो संबंध है पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रहे, और उनके जो रिश्ते हैं पड़ोसी देशों के साथ अच्छे और मजबूत रहे। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को समझे होंगे। अब हम लोग पिछले कुछ वर्ष की बात करते हैं। 2017 की बैठक हुई थी जिसमें भारत और बांग्लादेश ने संबंधों को नया आयाम देने की कोशिश की। इसमें उन्होंने कुल 11 समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा 24 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी बांग्लादेश और भारत ने किए। सबसे पहला आपको यहाँ पर एक देखने को मिलता है, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन। ये तो पुराना ही है सब, इसको रिवाइव किया गया, नया किया गया। ये सब पुराने मैत्रीय संबंध हैं या विदेश नीति संबंध हैं। तो सबसे पहला है सुरक्षा और सीमा प्रबंधन। ऐसा है कि जो भारत और बांग्लादेश की सीमाएं 4096.7 किलोमीटर लगती है एक दूसरे से, और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा उसके किसी अन्य पड़ोसी देश में सबसे अधिक है, देश से मतलब भारत के जितने अन्य पड़ोसी देश हैं ना, उन सब में सबसे अधिक सीमा भारत की इसी देश के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश में भूमि सीमा समझौता वर्ष 2015 में लागू हुआ था और 31 जुलाई 2015 को भूभागीय मानचित्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, और दोनों देशों के मध्य अब तक सुरक्षा सहयोग से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर जो है ना वो हो चुके हैं, ठीक है। और इसी में से एक है समन्वित सीमा प्रबंधन योजना, जिस पर वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किया गया था, एवं इसके तहत सीमा पार जो अवैध गतिविधियां हैं और अपराधों की जांच करने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाए रखने हेतु दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बल जो है
वो समय समय पर प्रयास करते रहते हैं और साथ ही कभी जरूरत हो तो एक दूसरे की सीमा में आते जाते भी रहते हैं। फिर नदी के पानी का बंटवारा जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें भी कोशिश की गई है कि भारत बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहें। भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियों को साझा करते हैं, जिसमें से कि सबसे बड़ी नदी आपको पता भी होगा एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है जो कि भारत से बांग्लादेश में जाती है। उसके बाद एक तीस्ता नदी भी है शायद, तीस्ता बांग्लादेश बंगाल की नदी है, आगे मैं बताऊंगा, आगे लिखा हुआ है तीस्ता ही है, खैर जो भी हो आगे मैं बता के क्लियर कर दूंगा। तो ऐसा है कि भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियों को साझा करते हैं और द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग जो JRC है उसके माध्यम से नदी में जो पानी है उसको वितरित करने का काम किया जाता है कि भारत कितना परसेंट पानी का यूज करेगा और बांग्लादेश कितने परसेंट पानी का यूज करेगा। और ये जो JRC है, जो द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग है, ये 1972 से काम कर रहा है और समय समय पर नदी संबंधी मुद्दों की चर्चा के लिए भारत और बांग्लादेश में बैठक होते रहते हैं। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की अब हम बात करेंगे। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो पहला व्यापार समझौता हुआ था 1972 में हुआ था, जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। और भारत बांग्लादेश व्यापार समझौते को अंतिम बार जून 2015 में नवीनीकृत किया गया है और ये 5 वर्षों के लिए किया गया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ना द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक में लगातार बढ़े हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बांग्लादेश और भारत का जो व्यापार है वो $9.5 बिलियन तक पहुंच गया था। साथ ही भारत ने वर्ष 2011 में दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्ता के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को एक मुफ्त कोटा दे रखा है, मतलब कि ट्रेड फ्री सॉरी टैक्स फ्री ट्रेड जो है वो चल रहे हैं भारत और बांग्लादेश के अंदर साफ्ता के तहत, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर जितने भी अन्य प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो भारत है और जो बांग्लादेश है इन दोनों के बीच में टैक्स फ्री ट्रेड चल रहे हैं। और सीमावर्ती समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए त्रिपुरा और मेघालय में दो दो बॉर्डर हाट की भी स्थापना भारत की ओर से की गई है। बॉर्डर हाट समझते हैं, मतलब वो सब्जी मंडी होती है ना एक तरह से, या फिर कोई भी प्रोडक्ट की जो मंडी होती है वो भारत की ओर से त्रिपुरा और मेघालय के बॉर्डर पर लगाया जाता है। एक नो मैंस लैंड होता है, जैसे कि ये भारत का सीमा, भारत की सीमा हो गई और ये बांग्लादेश का सीमा हो गया, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ना इसे नो मैंस लैंड कहते हैं, मतलब ये किसी का नहीं है, ठीक है। तो इसी नो मैंस लैंड के अंदर बांग्लादेश के नागरिक या फिर इंडियन जो त्रिपुरा और मेघालय के नागरिक हैं ये लोग जाते हैं यहाँ पर, सप्ताह में 2 दिन ये हाट लगता है और इस हाट में ये लोग अपना व्यापार करते हैं, साग सब्जी बेचते हैं या फिर कुछ अन्य चीज़ें बेचते हैं और फिर वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और बांग्लादेश और भारत के बीच आर्थिक सहयोग की बात हम कर लेते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच वर्ष 2010 तक $8 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट थी। जनवरी 2010 में भारत ने सार्वजनिक परिवहन, सड़क, रेलवे, पुल और अंतर्देशीय जलमार्ग संबंधी परियोजनाओं हेतु लगभग $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा बांग्लादेश के लिए की। और ऐसा है कि क्या कहते हैं, इसके अलावा $2 बिलियन की दूसरी लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा वर्ष 2015 में और लगभग $4.5 मिलियन की घोषणा 2017 में भी की गई है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे। बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और बांग्लादेश के बीच में कई समझौते हुए हैं। वर्ष 2017 में बांग्लादेश और भारत के बीच लगभग 660 मेगावाट बिजली के आयात का रिकॉर्ड कायम हुआ है, मतलब बांग्लादेश जो है वो भारत से बिजली खरीदता है और 660 मेगावाट बिजली अब तक बांग्लादेश ने 2017 में खरीदा है। अप्रैल 2017 में भारतीय सार्वजनिक और निजी कंपनियां और बांग्लादेश के बीच 3600 मेगावाट से अधिक बिजली आपूर्ति वित्त पोषण के जो समझौते पर हस्ताक्षर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी कई भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बांग्लादेश में तेल और गैस क्षेत्रों में निवेश कर रही है और बांग्लादेश में तेल और गैस क्षेत्र के बांग्लादेशी समकक्षों के साथ काम कर रही हैं। फिर दोनों देशों के मध्य कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। और दोनों देशों के मध्य व्यापार और आवागमन हेतु लगभग सभी संसाधन अभी भी उपलब्ध हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, जैसे कि पानी के जहाज उपलब्ध हैं, रेल उपलब्ध हैं, बस और हवाई जहाज इत्यादि सभी सेवाएं जो हैं अभी उपलब्ध हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी जो चर्चा है वो हम यहाँ पर अभी करेंगे। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC बांग्लादेश में भी चल रहा है और यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक
प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र IGCC का उद्घाटन वर्ष 2010 में किया गया था और यह नियमित रूप से बांग्लादेश में सांस्कृतिक गतिविधियों वाले कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसी के साथ जो ये IGCC है ना, ये योग, हिंदी, हिंदुस्तानी, शास्त्रीय संगीत, मणिपुरी नृत्य, कथक, चित्रकारी में नियमित प्रशिक्षण देने का काम भी बांग्लादेश के अंदर करता है। और यह जो कार्यक्रम है IGCC का, यह बांग्लादेशी छात्रों के अंदर बहुत लोकप्रिय है। इतनी सारी समझौताओं के बावजूद भी अभी भी कुछ क्षेत्रों में चिंताएं जो है वो बरकरार हैं, अभी भी कुछ क्षेत्रों में समस्याएं हैं। जैसे कि मैं आपको पहली समस्या के बारे में बताता हूं। कई प्रयास किए गए हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी जल का जो ये समझौता है वो सफल रहे, लेकिन अब तक ये असफल ही रहा है। खास करके तीस्ता नदी समझौता को लेकर के समस्याएं अब भी बनी हुई है। ये जो समस्या है ये 2011 से लगातार चलती आ रही है। केंद्र सरकार चाहती है, भारत की सरकार चाहती है कि वो तीस्ता नदी का समझौता जल्द से जल्द कर ले और तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच में जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि भारत और पश्चिमी बंगाल के जो संबंध हैं वो ठीक नहीं रहे। मतलब पश्चिमी बंगाल में जो राज्य सरकार है और जो केंद्र में जो केंद्रीय सरकार है, इन दोनों के बीच में संबंध ठीक नहीं है और इस वजह से ये तीस्ता नदी समझौता आगे नहीं बढ़ पाया है। क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, इसकी सरकार जब ये पश्चिम बंगाल की सरकार जब अनुमति नहीं देगी तो केंद्र सरकार अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ये समस्याएँ आज भी मौजूद हैं, ठीक है। और भारत की आर्थिक नीति में जो बाजार विरोधी रुझान है, यह भी एक गंभीर समस्या है। चूंकि देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बांग्लादेश में जो है ना, गौ मांस का चलन है, गौ मांस, गाय का मांस बांग्लादेश का प्रधान भोजन है, लेकिन भारत इसे निर्यात नहीं करता, भारत इसको बेचता ही नहीं है। तो इस वजह से जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, यहाँ पर पशुओं की तस्करी होती रहती है। मतलब गाय, भैंस, बकरी, इन सबको चुरा चुरा करके बांग्लादेश भेजा जाता है और वहाँ पर लोगों के भोजन का काम ये बकरे, भेड़, बकरे करते हैं, लोगों के भूख को मिटाने का काम, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल पहल में देरी हमें देखने को मिली है, तो यह भी समस्याएं हैं। भारत के लोग, ऐसा माना जाता है कि मुस्लिमों से घृणा करते हैं, मुसलमानों के प्रति उनकी घृणा ज़्यादा है और बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो यह भी जो है एक तरह से समस्याओं का कारण है। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ कि भारत में जो है मुस्लिमों के साथ घृणा की जाती है। खैर, ये सब राजनीतिक बातें हैं, मैं इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करता हूँ, ठीक है, ये सब मुद्दा नहीं है। अब बात करते हैं NRC को लेकर के भी। बांग्लादेश को थोड़ी बहुत चिंताएं हैं क्योंकि NRC जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो भी भारत के नहीं है उन सभी शरणार्थियों को भारत से बाहर कर दिया जाए या फिर रिहैब सेंटर में भेज दिया जाए, ऐसा NRC में मतलब कहा गया था और कुछ भ्रम भी फैलाए गए थे। तो इसको लेकर के भी थोड़ी बहुत चिंता है बांग्लादेश के मन में, लेकिन बांग्लादेश को ये बताया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा अगर होता है NRC की वजह से तो इससे भारत बांग्लादेश संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे की राह कैसी हो ताकि भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहे। देखिए, भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती है यह सहयोग के माध्यम से बहुत लंबी चली है और आगे भी चलेगी। यह आवश्यक है कि दोनों देश अपने अल्पकालिक लाभ हेतु दीर्घकालिक हितों से समझौता ना करें और दोनों देशों के मध्य जो ये नदियों का जो जल प्रबंधन है, इसके कार्य को गंभीरता से लिया जाए और इसको ठीक करने की कोशिश की जाए। साथ में दोनों देशों के जो नेता हैं उनके बीच एक दीर्घकालिक संयुक्त रणनीति विकसित करने की कोशिश की जाए ताकि दोनों देशों का विकास हो। और भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं हमेशा से। भारतीय राष्ट्रपति के अनुसार भारत और बांग्लादेश के संबंध अपने स्वर्णिम युग में है, परंतु फिर भी कुछ चिंताएं अभी बनी हुई हैं जिन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि दोनों पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंध हमेशा के लिए कायम किए जा सकें और एक दूसरे के सहयोग से विकास के नए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को भी समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे भारत म्यांमार संबंधों के बारे में। हम लोग यहाँ देखेंगे भारत और म्यांमार के संबंध कैसे हैं और आरंभिक चरण में भारत म्यांमार के संबंध कैसे रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे और म्यांमार के संबंध में भारत की जो थोड़ी बहुत चिंताएं हैं वो कैसी हैं, उनका समाधान कैसे हो, इन सभी बातों पर डिस्कशन हम करेंगे। या फिर अगर आपसे इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि भारत म्यांमार आर्थिक संबंधों का उल्लेख कीजिए, भारत म्यांमार विदेश नीति का उल्लेख कीजिए, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर वही लिखना है जो कि अभी आगे बताया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को भी समझ गए होंगे। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, लाइट गई, इस वजह से क्या हुआ कि जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम होने लगी।
इसलिए मैं जरा कंफ्यूज हो गया था। खैर चलिए, अब अगला प्रश्न है, भारत म्यांमार संबंधों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, भारत और म्यांमार के संबंध कैसे हैं इसका उल्लेख कीजिए, और अभी मैंने इसको बताया भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं भारत म्यांमार के संबंध कैसे हैं। मतलब इससे संबंधित प्रश्न तो अभी मैंने आपको बता ही दिए ना कि क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं और आपको आंसर कैसे करना है। तो आंसर कैसे करना है ये तो मैं अभी बताऊंगा ही, मतलब आंसर की जो रूपरेखा है वो कैसी होगी, वो एकदम सामान्य होगी, जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा। चलिए बढ़ाता हूँ स्क्रीन को। देखिए, भारत म्यांमार के संबंधों की शुरुआत जो है ना वो 1951 में होती है, और ये होती है मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद। ठीक है, और इसके बाद वर्ष 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, भारत के प्रधानमंत्री जो थे, वो म्यांमार की यात्रा करते हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की एक नींव रखते हैं। ठीक है, अब आपसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये म्यांमार है कहाँ पे। तो भारत का जो पूर्वी इलाका है ना, ये जो नॉर्दर्न स्टेट है, ठीक है, सॉरी ईस्टर्न स्टेट है, वहीं पर सटा हुआ आप पाएंगे म्यांमार को। ठीक है, यहीं पर है, पूर्वी भारत के कोने में पड़ता है ये, और ये भारत के लिए एक सामरिक महत्व वाला देश है, भारत के लिए ये एक बहुत महत्व रखने वाला देश है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत और म्यांमार बंगाल की खाड़ी में एक लंबे भौगोलिक और समुद्री सीमा साझा करने के अलावा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जातीय और धार्मिक संबंधों के साथ व्यापक रूप से भी समानताएं रखते हैं। भारत के लिए जो म्यांमार की भौगोलिक स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के भूगोल के केंद्र में स्थित है। ये जो म्यांमार है ये दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में स्थित है, इसलिए भारत के लिए यह एक विशेष महत्व रखता है। और भारत एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ थल सीमा साझा करता है। मतलब इकलौता ऐसा देश है म्यांमार, इकलौता दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ एक थल सीमा साझा करता है। यह सीमा लगभग 1624 किलोमीटर तक फैली है। दोनों देश बंगाल की खाड़ी में 725 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमाओं को साझा करते हैं। ठीक है, म्यांमार एकमात्र ऐसा देश है जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति के, मतलब नेबरहुड फर्स्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्षेत्रीय कूटनीति को संचालित करने के लिए भी म्यांमार एक महत्वपूर्ण घटक है, और यह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए एक सेतु का कार्य भी करता है। ठीक है, अब चीन के साथ प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। यदि भारत एशिया में एक मुखर शक्ति, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहता है, तो उसे ऐसी नीतियों के विकास की दिशा में काम करना होगा जो पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंधों को बेहतर और मजबूत बनाने में सहायक हो। और इस नीति के कार्यान्वयन में चीन बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि चीन का लक्ष्य हमेशा होता है कि वह भारत के पड़ोसियों पर भारत के प्रभुत्व को समाप्त कर दे। और ऐसे में भारत और चीन दोनों ही म्यांमार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के होड़ में लगे हैं। उदाहरण के लिए, हिंद महासागर हेतु स्थापित अपने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन या सागर नीति के तहत भारत ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में सितवे बंदरगाह को विकसित किया है। लेकिन साथ साथ चाइना ने भी म्यांमार के अंदर एक बंदरगाह विकसित कर लिया, जिसे क्याओक्यू के नाम से जाना जाता है, और यह भारत की एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। तो अब आप लोग इसको समझ गएंगे। अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी म्यांमार महत्वपूर्ण है। देखिए, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वो वामपंथी उग्रवाद और मादक पदार्थों के व्यापार मार्गों से प्रभावित हैं। पूर्वोत्तर भारत जो ईस्टर्न स्टेट है अपने इंडिया के, जैसे कि आपको असम हो गया, मिजोरम हो गया, उसके बाद आपको सिक्किम हो गया, ये सब राज्य पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, और ये सब राज्य वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित है और साथ ही मादक पदार्थों के व्यापार से भी ग्रसित हैं। तो ये जो है ना, ये भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है और म्यांमार, इन दोनों के बीच में एक तरह से मादक पदार्थों का व्यापार होता रहता है, और इसे स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और म्यांमार की सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन सनशाइन जैसे कई संयुक्त अभियान समय समय पर संचालित किए जाते हैं। फिर आर्थिक सहयोग की बात कर लेते हैं। कई भारतीय कंपनियां म्यांमार में बुनियादी ढांचा सहित अन्य चीज़ों के विकास हेतु व्यापारिक समझौते किए हुए हैं, और इसी के साथ जैसे कि कुछ भारतीय कंपनी है एसआर, गिल और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इसने भी म्यांमार के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कर रखा है। भारत ने अपने मेड इन इंडिया रक्षा उद्योग और सैन्य निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में म्यांमार की पहचान की है।
सांस्कृतिक कूटनीति की अगर हम बात करें तो म्यांमार में भी बौद्ध धर्म है और भारत में भी बौद्ध धर्म है। तो इस तरह से भारत की जो धार्मिक कूटनीति का संचालन जो है वो म्यांमार में ठीक ठाक तरीके से होता है। भारत की जो बौद्ध सर्किट पहल है जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में प्राचीन बौद्ध विरासत स्थलों को जोड़कर विदेशी पर्यटकों के आगमन और राजस्व को दुगुना करना है, तो बौद्ध बहुल व्यापार के संदर्भ में या फिर बौद्ध बहुल म्यांमार के संदर्भ में यह जो नीति है वो बहुत उपयुक्त विकल्प साबित हो सकता है। यह म्यांमार जैसे बौद्ध बहुल देशों के साथ सद्भावना और विश्वास के क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक पकड़ को मजबूत कर सकता है। फिर कनेक्टिविटी में भी सुधार लाने की कोशिश की जाती है और 2024 तक भारत जो है वो $5 ट्रिलियन की व्यवस्था बन जाएगी, अर्थव्यवस्था बन जाएगी, और इसके लिए उसे अपने जो सहयोगी देश हैं उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। और इस वजह से भारत म्यांमार के जो आर्थिक संबंध अगर बेहतर होंगे तो इससे दोनों देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और दोनों देशों का विकास होगा। अब एक है रोहिंग्या मुद्दे का समाधान। जो रोहिंग्या मुस्लिम है इसको लेकर के म्यांमार और बांग्लादेश और साथ ही भारत के बीच कभी कभी दिक्कत आती है और इसका एक निजी समाधान खोजा जाना चाहिए। साथ ही बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच एक अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश जो है वो होनी चाहिए। और निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि म्यांमार के रणनीतिक महत्व को देखते हुए म्यांमार एक स्थिर और स्वायत्त देश के रूप में खड़ा होने के साथ ही भारत के भू रणनीतिक हित में है, जिससे भारत म्यांमार संबंधों में अधिक से अधिक द्विपक्षीय जुड़ाव को संभव बनाया जा सके। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भारत भूटान संबंधों के बारे में। यह एक प्रश्न है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 है ये, 22 प्रश्न है शायद इस PDF के अंदर, सबको बताना है। एक सेकंड भाई, इतना छोटा था क्या ये? वही तो, हाँ यहाँ से स्टार्ट है ना। देखिए ऐसा है कि भारत की आज़ादी के बाद 8 अगस्त 1949 को भारत और भूटान के बीच दार्जिलिंग की एक संधि पर हस्ताक्षर होती है जिसमें अनेक प्रावधान शामिल थे और यहीं से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होती है और द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत होती है। अब आप पूछेंगे कि भैया भूटान है कहाँ, तो आप भारत के पूर्वी नक्शे को उठा करके देखिए, ठीक है। आप ये पाएंगे कि सिक्किम और बांग्लादेश के जस्ट बगल में एक छोटा सा देश है भूटान, एकदम छोटा सा, भारत से ही सटा हुआ है। तो इसी वजह से जो अपना ये क्या कहते हैं भूटान है, इससे संबंध होना हमारे हित में है, इससे अच्छे संबंध होना हमारे हित में है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत के बीच जो है ना, सॉरी, भारत और भूटान के बीच हमेशा अस्थायी और मैत्री संबंध रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़े बहुत बदलाव हमें देखने को भी मिले हैं जो कि अभी भी थोड़ी बहुत समस्याओं को क्रिएट करती है। जैसे कि आज का जो लोकतंत्र है, भूटान अपनी संप्रभुता के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है, ताकि भारत के साथ उसके संबंध प्रगाढ़ बने रहे। खुद भूटान भी चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे रहें, क्योंकि चीन सहित अन्य शक्तियां जो है वो भूटान को कभी कभी निगलने की कोशिश करती है। तो भूटान चाहता है कि भैया हमारे संबंध भारत के साथ अच्छे रहें। निवेश की आकांक्षा से अपने उत्तर पूर्वी पड़ोसी चीन के प्रति आकर्षण से भूटान इसलिए भी स्वयं को बचाता है क्योंकि भारत से उसके संबंध बेहद विश्वासपूर्ण रहेंगे। लेकिन जो डोकलाम की घटना हुई है इसके बाद से चीन की विस्तारवादी नीति से दोनों देशों के सामने सीमा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, ठीक है। चीन भूटान के साथ आपराधिक राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने का इच्छुक है। चीन ये चाहता है कि किसी तरह भूटान से औपचारिक राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए जाए, लेकिन कुछ हद तक भूटान जो है वो इससे दूर भागता है और थोड़ा बहुत वो चीन के साथ व्यापार और राजनीतिक संबंध किए हुए है, लेकिन फिर भी खुद भूटान चाहता है कि वो जो है इन सभी पचड़ों से दूर रहे और भारत के साथ उनके संबंध अच्छे रहे और वो भविष्य में किसी समस्याओं के जाल में ना फंस जाए, ठीक है। अब भारत को भूटान की चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। भूटान को कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे तो भारत से हमारे संबंध बिगड़ेंगे। तो ऐसा है ना कि भारत और भूटान के बीच जो ये मजबूत द्विपक्षीय संबंध है इसके नींव कमजोर ना हो इसके लिए भारत को काम करने की आवश्यकता है। भूटान का राजनीतिक रूप से स्थिर होना भारत की सामरिक और कूटनीतिक राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं कि पिछले 2 दशकों में भूटान के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं और भारत की विदेश नीति एक स्थायी कारक के तौर पर काम कर रही है। साझा हितों और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग पर आधारित अच्छे पड़ोसी के संबंधों का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग
डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत नेपाल संबंधों का उल्लेख कीजिए। कोई भी प्रश्न आए भारत नेपाल संबंध से रिलेटेड तो यही लिखना है। देखिए नेपाल जो है ना भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और खुद मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही नेपाल है। मतलब मैं बॉर्डर एरिया से आता हूँ और नेपाल मेरे घर के जस्ट बगल में ही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेपाल जो है ना यह भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी हमेशा से रहा है और इसके बीच में ये जो भारत और नेपाल के बीच में भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध कई वर्षों से रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि नेपाल जो है ना आप बिना किसी समस्या के जा सकते हैं। नेपाल जाने के लिए कोई वीज़ा या कोई पासपोर्ट कुछ भी नहीं लगता है, सीधे जाइए। हम लोग जाते हैं, ठीक है, मैं भी जाया करता हूँ नेपाल। तो सीधे जाइए बाइक लेकर के, भंसार कटाइए, भंसार कटाने के बाद बाइक लेके किधर को भी चले जाइए नेपाल के अंदर। आप एक दिन के लिए उस भंसार के माध्यम से आप नेपाल के किसी भी जगह का दौरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। और ये जो संबंध है ना इसके पीछे दो मुख्य फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो नेपाल जो है ना अभी धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है, लेकिन 2015 से पूर्व जब नेपाल के पास अपना संविधान नहीं था तो क्या है ना कि नेपाल हिंदू धर्म वाला देश था, हिंदू राष्ट्र कहलाता था। और भारत में भी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, हिंदू बहुतायत में है, तो फिर यह फैक्टर भी मदद करता है भारत और नेपाल को एक जगह लाने में। और बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जो हमारे महात्मा बुद्ध थे जिनका जन्म नेपाल में ही हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में, लेकिन वो भारत आकर के उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी बौद्ध क्या कहते हैं सारनाथ के निकट। तो इस वजह से जो है ना बौद्ध धर्म भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से भारत और नेपाल एक तरह से आपस में बंधे हुए हैं, गुथे हुए हैं। 1950 में भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि भी हुई थी और दोनों देशों के बीच यह जो है एक मजबूत और विशेष संबंधों का आधार रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1950 के आसपास नेपाल जो है वो भारत में विलय की सिफारिश भारत के सामने कर चुका था, ठीक है। उस समय शायद नहीं एग्जैक्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू जब नेपाल के दौरे पर गए थे तो फिर नेपाल की जो गवर्नमेंट थी उस समय की जो भी सरकारें थी साम्यवादी सरकारें थी शायद, तो उन्होंने ये पेशकश की थी कि वो भारत में मिलने को तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री जो थे हमारे उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। अब बात करते हैं भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि के बारे में। तो ये जो है ना मूल रूप से दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच एक घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना है, ठीक है। और यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देता है। जैसा कि मैंने ऊपर में बताया, लोग एकदम स्वतंत्र रूप से भारत और नेपाल में आवागमन करते हैं, यहाँ तक कि शादी विवाह भी होता है। मेरे आस पड़ोस के भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नेपाल में हुई है और नेपाल की कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी यहाँ भारत में हुई है और वो भारत में आकर के रहती हैं। यहाँ पर रोटी बेटी का संबंध जो है हमें देखने को मिलता है, भारत और नेपाल के बीच में विवाह का संबंध भी देखने को मिलता है। और यह संधि यह भी कहता है कि नेपाल जो है वो भारत से हथियार खरीद सकता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ नेपाल को एक भू आबद्ध देश होने के कारण यह संधि नेपाल को कई विशेषाधिकार प्रदान करता है। भारत नेपाल की जो सीमा खुली है यह दोनों देशों के संबंधों की एक विशेषता है जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुविधा रहती है। देखिए भारत और नेपाल के बीच की जो सीमाएं हैं वो किसी जंजीर या सिक्कड़ या कड़ी या किसी तरह के तारों से बंधी भी नहीं है, एकदम ओपन है। जगह जगह पर बस पोल्स लगाए गए हैं, पिलर्स लगाए गए हैं। पोल्स और पिलर्स को आप देख लीजिए भैया, समझ जाइएगा कि किधर नेपाल है और किधर भारत है। चूँकि हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने देखा है। और नेपाल जो है तो बहुत छोटा सा देश लेकिन तराई क्षेत्र में है, हिमालय के तराई क्षेत्र में पड़ता है, हिमालय की छोटी छोटी घाटियां हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो अगर किसी को मतलब उत्तराखंड नहीं जा पा रहे हैं या कहीं नहीं जा पा रहे हैं घूमने के लिए, हिल स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं, तो वो नेपाल की सैर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए नेपाल की सैर करने से दो फायदे होंगे, एक तो आप विदेश घूम लेंगे, दूसरा आप नेपाल की तराइयों में सैर कर सकते हैं। नेपाल में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो आपको देखने में काफ़ी आकर्षक लगेंगी और नेपाल के जो लोग हैं उनका जो सेंस ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन उस देश का संविधान थोड़ा कट्टर है, थोड़ा मजबूत या कठोर है, लेकिन फिर भी नेपाल के लोगों का रहन सहन अच्छा है तो आपको आनंद आ सकता है। नेपाल में कई जगह है जैसे भेटेटार, दम्मक, दंतकाली, उसके बाद आप धरान, सुनसरी, मोरंगी, ये सब जा सकते हैं, ठीक है। खैर हटाइए इन सब बातों को, ये तो पर्सनल बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोनों देशों के बीच करीब 1850 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है, जिसमें भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। भारत और नेपाल की सीमा को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है। लगभग 98% सीमा की पहचान और उसके नक्शे पर सहमति बन चुकी है। सिर्फ कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद है, जैसे कि काला पानी को लेकर के विवाद है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा काला पानी का विवाद क्या है। ठीक है, अब देखिए सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की बात अगर हम करें तो सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भारत नेपाल सहयोग हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो धार्मिक क्षेत्र में हिंदू और बौद्ध धर्म को लेकर के हमें अच्छा खासा संबंध यहाँ देखने को मिलता है। बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति उन्हें भारत में हुई थी। उसके बाद भारत और नेपाल दोनों ही हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, और हालांकि भारत और नेपाल अब दोनों ही धर्मनिरपेक्ष देश हैं, लेकिन बहुतायत में हिंदू और बौद्ध धर्म यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक क्षेत्र की भी बात अगर हम करें तो भारत और नेपाल की जो सीमाएँ खुली हैं, यह भी दोनों देशों के बीच एक संबंधों की विशिष्टता को दिखाती है। फिर दोनों देशों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मजबूत नींव है, यह भी मैं बता चुका हूँ। रोटी बेटी का रिश्ता है, यह भी मैं बता चुका हूँ। आर्थिक क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब आर्थिक क्षेत्र में भी काम जो है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है, और उसी के साथ साथ भारत का जो विदेशी निवेश का स्रोत है वह भी नेपाल ही है। ठीक है, और भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए पारगमन की सुविधा भी देता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कलकत्ता बंदरगाह का उपयोग करता है। मतलब नेपाल अगर अपना कोई भी समुद्री व्यापार करता है तो वो कलकत्ता से अपना काम करता है। भारतीय कंपनियां नेपाल के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में संलग्न है, और इन कंपनियों को की नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में उपस्थिति है। जैसे कि जो सुजुकी है, जो आपको फोर व्हीलर की एक कंपनी है, यह अभी अपने नेपाल में भी कार्यरत है, नेपाल में भी काम कर रही है। उसके बाद जावा मोटर्स हो गया, मैं नेपाल जाता हूँ तो वो देखता हूँ। टाटा मोटर्स भी अपने नेपाल में काम कर रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं कि भैया आर्थिक क्षेत्र कितना अच्छा। रक्षा सहयोग का क्षेत्र भी अच्छा है। जो द्विपक्षीय जो रक्षा सहयोग समझौता हुआ है, इसके तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना को आधुनिकीकृत करने का काम भारत कर रही है। भारतीय सेना की जो गोरखा रेजिमेंट है, इसमें नेपाल के पहाड़ी इलाके से भी युवाओं की भर्ती की जाती है, जो गोरखा रेजिमेंट है। भारतवर्ष 2011 से नेपाल के साथ साथ प्रतिवर्ष सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आया। मतलब वर्ष 2011 से भारत और नेपाल अपने अपने सैनिकों का एक संयुक्त अभ्यास करता है, और यह जो है सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। अब कुछ विवाद के बिंदु भी हैं भारत और नेपाल के मध्य, उसकी चर्चा अभी मैं करता हूँ। देखिए हालांकि ऐसा तो कोई विवाद है नहीं, लेकिन काला पानी ही था ना भैया, फिर मैं गलती कर रहा हूँ, काला पानी नहीं था, वो धारचूला और लिपुले दर्रे को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। काला पानी ही है शायद ये, हाँ काला पानी है। ठीक है, एग्जैक्ट। तो ऐसा है कि यहाँ पर जो है ना नेपाल के बीच में नेपाल और भारत के बीच में बस एक जगह असहमति बनी हुई है। वो ऐसा है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश सॉरी उत्तराखंड का इलाका है, यहाँ पर एक दर्रा है धारचूला और लिपुलेख। ठीक है, और यहाँ सॉरी क्या उत्तराखंड कहाँ, धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने की एक सड़क है यहाँ पर। नेपाल का ये दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है, लेकिन भारत का कहना है कि नहीं भैया ये गलत है। ठीक है, और नेपाल जो है ना आधिकारिक रूप से उत्तराखंड के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानती है, लेकिन भारत ऐसा मतलब नकारती है इस बात को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब ये बात की जाती है नेपाल की ओर से कि हाँ ये जो है मतलब लिपुलेख और काला पानी हिस्सा उनका है, तब वो 1816 की सुगौली संधि का जिक्र करते हैं, जिसमें कि नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली संधि हुई थी वर्ष 1816 में। इसके तहत काली या महाकाली नदी के पूर्व का सभी क्षेत्र, जिसमें कि लिपियाधुरा, उसके बाद काला पानी और लिपुलेख शामिल है, यह नेपाल का अभिन्न अंग है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है भारत नहीं मानती है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम ये पाते हैं कि नेपाल सरकार के अनुसार जब बीते वर्ष में जम्मू और कश्मीर का विभाजन हुआ तो भारत सरकार ने एक नया मानचित्र प्रकाशित किया, जिसमें कि काला पानी को भारत का एक हिस्सा माना गया, और इस वजह से नेपाल सरकार ये मानती है कि भारत द्वारा इस मानचित्र के साथ छेड़खानी की गई है।
अब आगे बढ़ते हैं कि बिगड़ते संबंधों में भारत की भी क्या भूमिका रही है, नेपाल से जो संबंध बिगड़ रहे हैं इसमें भारत की क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहली जो अभी बात अगर हम करें तो हम तो रिसेंट वाली बात ही करेंगे, ये जो काला पानी और लिपुलेख वाला जो मैटर है यह भी एक तरह से भारत नेपाल के बीच पुराने विवादों में जान डालने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और उसके बाद भारतीय फिल्मों में नेपाली महिलाओं को लेकर अक्सर विवादित टिप्पणी की जाती है जिससे नेपाल कड़ी नाराजगी व्यक्त करता है, ठीक है। उसके बाद नेपाल वर्ष 2017 में चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होता है और ये बात भारत को अच्छी नहीं लगती और भारत इसके लिए नेपाल पर दबाव डालता है कि भैया तुम इस पे शामिल ना हो, लेकिन इस प्रकार का दबाव नेपाल को रास नहीं आया और इस घटना से भारत की जो छवि है वो थोड़ी बहुत खराब होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और भी थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ दिए गए, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। पीडीएफ किसी को परचेज करनी होगी तो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ और मैत्रीतापूर्ण संबंध रहे और इसके लिए वो ये कोशिश कर रहा है कि जो ऐतिहासिक संधि है उसका उल्लंघन ना हो। भारत भी चाहता है भैया इस तरह की कोई समस्याएं क्रिएट ना हो जिससे कि नेपाल से उनके संबंध खराब हो। और इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करनी होगी कि भारत को अपनी विदेश नीति में समीक्षा करने की ज़रूरत है और भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति जो है वो दूरदर्शी बनानी होगी। और हम ये देखते हैं कि अभी जो है ना वर्तमान में नेपाल पर चीन का काफ़ी प्रभाव पड़ा है, इससे भारत को अपने पड़ोसी देश के रूप में काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ और हानि पर विचार करना होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को भी समझ गए होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत श्रीलंका संबंधों का उल्लेख कीजिए। देखिए, भारत और श्रीलंका के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। अब श्रीलंका की अगर बात करें तो मानचित्र पे अगर हम देखते हैं तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर हमें श्रीलंका देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो श्रीलंका है इसके संबंध भारत के साथ अच्छे रहे हैं और ऐसा एक सर्वे में भी बताया गया है कि श्रीलंका की केवल 4% जनता ही भारत से नाखुश है, भारत के संबंधों से नाखुश है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, ऐसा है कि श्रीलंका के गृह युद्ध और युद्ध के दौरान भारतीय हस्तक्षेप से थोड़ा बहुत विवाद बढ़ा भारत और श्रीलंका के बीच में। हाल के वर्षों में क्या हो रहा है कि श्रीलंका विशेष रूप से नौसेना समझौते के तहत चीन के करीब जा रहा है, तो भारत को अपने संबंधों में सुधार करने की कोशिश की जाए की भारत को अपने संबंधों में सुधार की कोशिश करनी चाहिए और भारत ने अपने संबंधों में सुधार के लिए परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं और भारत ने 2015 में श्रीलंका के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता भी किया है, ठीक है। अब देखिए, वाणिज्यिक संबंधों की भी बात अगर हम करें तो हम ये पाते हैं कि भारत और श्रीलंका कई क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य राष्ट्र हैं, जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ और बिम्स्टेक। सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए ये दोनों काम कर रहे हैं। द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद 2004 में ये जो द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच, ये 2000 में हुआ था और 2004 तक भारत श्रीलंकाई व्यापार 128% तक बढ़ गया और 2006 में ये 4 गुना हो गया था, 4 गुना मतलब 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो व्यापार है वो हमें देखने को मिलती है 2006 तक। वर्ष 2010 में रिकॉर्ड स्तर पर द्विपक्षीय व्यापार हुए और यह बहुत अच्छा सुनहरा पल जो है वो माना जाता है भारत और श्रीलंका के लिए। भारत का जो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसने संपूर में 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने का कार्यक्रम का ऐलान भी किया है और NTPC का ये दावा है कि यह योजना भारत श्रीलंका के रिश्तों पर काफ़ी अच्छे असर डालेगी। अब थोड़े बहुत विवाद भी हैं, जैसे मछुआरा विवाद की बात हम करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जल डमरू मध्य एक पॉइंट है, यह भूगोल का एक पॉइंट है और क्या होता है ना कि जब दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच एक डमरू का आकार बन जाता है और वहाँ से जब पानी गुजरती है तो उसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है, जल डमरू मध्य कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जल डमरू मध्य का क्षेत्र है जिसे हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, पाक स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो श्रीलंकाई नौसेनाएं अक्सर क्या करती हैं कि भारतीय मछुआरों को पकड़ लेती हैं
अब वो पकड़ती इसलिए है क्योंकि जो भारतीय मछुआरे हैं ना, वो एक तरह से मैकेनाइज्ड ट्रॉलरों का इस्तेमाल करते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, ठीक है। और इससे क्या होता है कि श्रीलंकाई मछुआरों को काफी नुकसान होता है, और इसी वजह से क्या होता है कि अक्सर भारत और श्रीलंका के मध्य मछुआरा विवाद देखने को मिलता है। अक्सर श्रीलंकाई नौसेना भारतीय मछुआरों को पकड़ लेती है क्योंकि भारतीय मछुआरे समुद्र में जाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, और मैकेनाइज्ड जो मैकेनिक वाले जो ट्रॉलर हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और फिर मछलियाँ जो हैं वो श्रीलंकाई मछुआरों को हाथ नहीं लगती है, तो इस वजह से दिक्कत जो है वो होती है, और यही विवाद का एक कारण है, मछुआरा विवाद का, ठीक है। श्रीलंका का कहना है कि भैया आप मछली पकड़ते हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन मैकेनाइज्ड ट्रॉलरों का प्रयोग नहीं कीजिए, इससे हमारे मछुआरों को नुकसान होता है। और जो क्या कहते हैं भारत है, वो ये कहता है कि भैया हम जो मैकेनाइज्ड ट्रॉलर है इसके इस्तेमाल पर रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसको जो है ना नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन श्रीलंका को ये बात अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से थोड़े बहुत विवाद हमें देखने को मिले। सुरक्षा क्षेत्र की बात करें, भारत और श्रीलंका ने दूसरे आपस में एक दूसरे देश में जो सजा काट रहे अपराधी हैं उनके स्थानांतरण की अनुमति देने वाले समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, और इसके माध्यम से दोनों देशों ने संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। केरल और तमिलनाडु में के सजा प्राप्त व्यक्तियों को श्रीलंका से भारत में समझौते के तहत स्थानांतरित किया गया है, मतलब केरल और तमिलनाडु के लोग हैं वो श्रीलंका में सजा काट रहे हैं, श्रीलंका के लोग भारत में सजा काट रहे हैं, तो दोनों के बीच लोगों का स्थानांतरित किया गया है, और ये सहयोग का एक क्षेत्र है जहाँ लोगों का जो है ना एक तरह से आदान प्रदान होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। चीन के मुद्दे की बात करते हैं, हाल के वर्षों में जो श्रीलंका है वो मूल रूप से नौसेना समझौते के साथ चीन के करीब चला गया है, और भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली देश है, और चीन नियमित रूप से श्रीलंका में नव साम्राज्यवाद के माध्यम से हिंद महासागर में अपनी स्थिति को दर्शाने की कोशिश करता है, और यह भारत के लिए एक चिंता का विषय है। चीन का यह कदम भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, और यह एक सामूहिक खतरा है जिसके सामूहिक समाधान की आवश्यकता है। आगे की राह की अगर हम बात करें, भारत और श्रीलंका ने फरवरी 2015 में रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी और मित्र है, और हमारे भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को भी समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न उठता है, भारतीय मालदीव संबंधों का उल्लेख कीजिए। चलिए देखते हैं भारतीय मालदीव संबंध। तो देखिए दोस्तों, जो भारत और मालदीव का संबंध है ये बहुत मतलब पुराना नहीं है, रिसेंट का ही है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री द्वारा मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा की गई थी, ठीक है। इस दौरान नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट का उद्घाटन किया गया था, ठीक है, और इसके माध्यम से भी सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। उसके बाद पुनर्वास केंद्र की बात करते हैं, तो ऐसा है कि अड्डू रिक्लेमेशन एंड सौर प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट हेतु 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध का हस्ताक्षर जो है भारत और क्या कहते हैं मालदीव के बीच में हुआ है, ठीक है। और अड्डू में एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के स्थापना के प्रयास के स्थापना का जो कार्य है वो भारत की मदद से किया जाएगा और किया भी गया है, और यह सेंटर स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे विभिन्न भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही गतिविधियों को बढ़ावा देगा, ठीक है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। मालदीव जो है वो एक छोटा सा टापू देश है जो कि अगर हम जिसको मानचित्र पर देखें तो हम ये पाते हैं कि ये अंडमान निकोबार द्वीप के ऊपर है, ठीक है, और ये समुद्र में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप टाइप का देश है। तो इस वजह से जो पर्यटन है ना यह मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वर्तमान में मालदीव कुछ भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और बहुत से भारतीय वहाँ रोजगार के लिए जाते हैं। अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी एफकॉन ने मालदीव के अंदर अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी अवसंरचना परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पहला कौन है भैया? नेपाल। समझ में आई मेरी बात? अब चलते हैं थोड़ी बहुत चुनौतियों के बारे में देख लेते हैं जो कि अभी भारत और मालदीव संबंधों के बीच में स्थित है। तो राजनीतिक अस्थिरता भी है। देखिए फरवरी 2015 में मालदीव के जो विपक्षी नेता थे मोहम्मद नसीद,
इनकी गिरफ्तारी हुई थी आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि एक तरह से राजनीतिक संबंध उत्पन्न हुआ और भारत की जो पड़ोस नीति है इसके समक्ष एक समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि आतंकवाद मतलब हम ये कह सकते हैं कि मालदीव के अंदर फैला पड़ा और आतंकवाद का बहुत बड़ा विरोधी भारत स्टार्ट से ही रहा है। कट्टरता, पिछले एक दशक में इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों का मालदीव पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है और यह भी एक समस्याओं का केंद्र बन सकता है। फिर चीनी पक्ष की बात करें, चूंकि मालदीव क्या है तो एक टापू द्वीप है, एक टापू देश है, तो ये जो चाइना वाले हैं ना ये क्या कर रहे हैं कि अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं समुद्र में, साथ ही या चीन या जो मालदीव है भारत का पड़ोसी देश है, तो ये चाइना चाह रहा है कि भैया हम जो है किसी तरह से मालदीव पर अपना कब्जा जमा लें और फिर क्या करें तो हम भारत के खिलाफ इसको उकसाए। और मालदीव जो है दक्षिण एशिया में चीन की स्टिंग ऑफ पल्स रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है और यह भी एक समस्या का विषय है, ठीक है। इसके अलावा मालदीव ने भारत के साथ समझौते किए, जैसे कि चाइना कार्ड ये मालदीव ने भारत से समझौते के लिए चाइना कार्ड का उपयोग शुरू कर दिया है। मतलब मालदीव क्या करता है, भारत से समझौते कर रहा है लेकिन चाइना के इशारे पर, ठीक है, तो यह भी एक दिक्कत है। देखिए भारत और मालदीव का रिश्ता अभी सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत को अपनी इस स्थिति पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए और मालदीव के विकास के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि मालदीव दूसरे देशों की ओर ना देखे। और उसके बाद दक्षिण एशिया और आसपास की समुद्री सीमाओं में क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को इंडो पैसिफिक सुरक्षा क्षेत्र की एक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वर्तमान में इंडिया आउट अभियान की सीमित ऐसा है कि मालदीव में एक क्या कहते हैं अभियान चल रहा है इंडिया आउट, और यह एक गलत है, ठीक है, गलत क्या कहते हैं समर्थन जो है चल रहा है या गलत तरह की नीति चल रही है, भारत सरकार इसको समर्थन नहीं दे सकती है और यह दिक्कत वाली बात है। तो इस समस्याओं के इसके समाधान की भी कोशिश जो है वो मालदीव और भारत के रिश्तों के माध्यम से की जानी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको भी समझ गएंगे। भारत अफगानिस्तान संबंधों के उल्लेख की चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, या भारत अफगानिस्तान संबंधों की क्या बोल रहा हूँ मैं भारत अफगानिस्तान संबंधों का उल्लेख भी हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। माइंड मेरा अब हैंग हो रहा है, लंबी चौड़ी वीडियो हो चुकी है, तबीयत भी खराब है, फीवर भी है और बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही है, इसी वजह से माइंड हैंग हो रहा है। खैर चलिए, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अगर नक्शे पर हम देखें तो हम पाते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ऊपर में आप देखते होंगे, जब सबसे ऊपरी नक्शा देखते हैं सबसे उत्तर की ओर अगर आप जाते हैं तो अफगानिस्तान की सीमाएं भारत से लगी हुई हैं, ठीक है, और अफगानिस्तान एक भू आबद्ध देश है और जिसकी सीमा जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर से सटी हुई है, थोड़ी बहुत सीमा इंडिपेंडेंट कश्मीर से शायद लगी हुई नहीं लगी हुई है, ठीक है। मध्य एशिया के देशों में पहुँचने के लिए भारत को अफगानिस्तान की ज़रूरत है। ये जो मध्य एशिया है, मतलब हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो जो मध्य एशिया है यहाँ पर अगर भारत को अपने कदम रखने हैं तो इसके लिए अफगानिस्तान की आवश्यकता है, ठीक है। और अफगानिस्तान हमेशा से भारत का एक परंपरागत मित्र भी रहा है, ठीक है, लेकिन विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप की वजह से आज अफगानिस्तान एक अस्थिर राज्य बन गया है। इसकी शुरुआत सोवियत संघ द्वारा 1979 में सैनिक हस्तक्षेप से हुई थी। सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने कबीलों को हथियार, प्रशिक्षण और अन्य संसाधन भी मुहैया करवाए थे और यह अस्थिरता अभी भी देखने को मिलती है। तालिबान अब अफगानिस्तान नहीं रहा बल्कि तालिबान का कब्जा इस पर हो चुका है, तो अफगानिस्तान अब बन गया है तालिबान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत अफगानिस्तान के जो आधारभूत ढांचे हैं उसके व्यापक विकास में मदद कर रहा है। मतलब स्टार्टिंग में जब तालिबान नहीं आया था, मतलब तालिबान नहीं बना था, तालिबानी सरकार की घोषणा नहीं हुई थी, तब भारत की ये कोशिश थी कि वो अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाए और अफगानिस्तान का विकास करे, साथ ही अफगानिस्तान के माध्यम से वो मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपने वर्चस्व को कायम करे, ठीक है। और इसके लिए उसने क्या किया, तो इंदिरा गांधी शिशु स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की कवायद की, फिर काबुल में हबीबी स्कूल की स्थापना की, ठीक है। भारत क्या करता है अफगानिस्तान में कृषि, बैंकिंग, कंप्यूटर खनन, स्वास्थ्य क्षेत्र आदि में बहुत खूब सहायता जो है वो करता है, ठीक है।
अब जैसे कि भारत अफगानिस्तान के संबंधों में एक चाबहार बंदरगाह की प्रासंगिकता भी अभी हम देख लेते हैं। ईरान में एक बंदरगाह विकसित किया गया भारत की ओर से, जिसे कि चाबहार बंदरगाह कहा गया, और यह भारत और ईरान के बीच में एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, और बंदरगाह पर जो लाई गई वस्तुएं हैं इसको आसानी से अफगान की सीमा तक पहुंचाया जाता है, तथा जराज और डेलराम राजमार्ग के माध्यम से अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। और ये जो चाबहार बंदरगाह है, यह इसके माध्यम से एक तो भारत अफगानिस्तान में अपने पैठ जमा ही रहा था, साथ ही ये मध्य एशियाई क्षेत्रों में भी अपने पैठ जमा रहा था। लेकिन अब चूंकि हम ये मान के चल सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार आई है वो अभी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान व्यापार और पारगमन समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अफगानिस्तान में उत्पादित वस्तुओं को वाघा तक पारगमन की अनुमति प्रदान की जाएगी, तथा इसके बदले में अफगानिस्तान पाकिस्तान को मध्य एशिया गणराज्यों के लिए पारगमन मार्ग की अनुमति देगा। अब देखिए भारत के लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ एक व्यापारिक समझौता किया, और इस समझौते में ये मुद्दा आया कि अफगानिस्तान में जो भी वस्तुएं मतलब होंगी, जो भी वस्तुएं उत्पादित होंगी उसको वाघा तक पारगमन की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, और मतलब ऐसा है कि पाकिस्तान के क्षेत्र तक ये सुविधाएं दी जाएगी, अनुमति प्रदान की जाएगी पारगमन की। इसके साथ ही अफगानिस्तान क्या करेगा, सॉरी इसके बदले में पाकिस्तान क्या करेगा, तो मध्य एशियाई क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक मार्ग जो है अफगानिस्तान को मुहैया करवाएगा, और यही मार्ग के माध्यम से भारत क्या करता है, तो मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपने संपर्क को स्थापित करने की कोशिश करता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की भी कोशिश जो है वो की गई है। और अफगानिस्तान INSTC का सदस्य नहीं है, फिर भी INSTC चाबहार से जराज और डेलराम के माध्यम से अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, और हाल ही में भारत ने INSTC के तीव्र कार्यान्वयन के लिए रूस के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। खत्म। अब चलिए डिस्कस करते हैं भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी पर टिप्पणी कीजिए। तो ये जो भारत की पूर्व की ओर देखो की जो नीति है, ये एक तरह से व्यापक आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को विकसित करने का प्रयास है। ठीक है, एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत ने इस तरह की नीति को अपनाया था, और भारत ये भी चाहता था कि इस नीति के माध्यम से चीन जैसे जनवादी गणराज्य के राजनीतिक प्रभाव को कम किया जा सके। 1991 में ये लुक ईस्ट रणनीति जो है वो स्टार्ट की गई थी। इसने दुनिया के भारत के परिप्रेक्ष्य में एक रणनीतिक बदलाव को चिन्हित किया, और ये जो लुक ईस्ट की रणनीति है ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा स्टार्ट की गई थी। 1991 से 1996 के बीच में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, इस दौरान इस लुक ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा दिया गया था, और कहा गया था कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अब पश्चिम से पूर्व की ओर ध्रुवीकृत हो रही हैं, और इस वजह से हमें ईस्ट की ओर देखना चाहिए, पूर्व की ओर देखना चाहिए, और ये जो रणनीति है और ये जो पॉलिसी है इसने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ठीक है, और इसी रणनीति के पक्षधर रहे थे, इसी पॉलिसी के पक्षधर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी, और इसकी जो ये जो नीति रही PV नरसिम्हा राव की पूर्व की ओर देखो की नीति, इसकी सफलता के बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से एक और नीति की घोषणा की गई, जिसे हम कहते हैं एक्ट ईस्ट नीति, और ये जो एक्ट ईस्ट नीति है या लुक ईस्ट नीति का ही एक उन्नत रूप है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग एक्ट ईस्ट नीति की बात करते हैं, यह अगला प्रश्न है कि एक्ट ईस्ट नीति पर टिप्पणी कीजिए। तो अब उत्तर को हम लोग कुछ इस तरह से डील कर सकते हैं कि नवंबर 2014 में जो ये घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी है यह लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक उन्नत रूप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखिए इस नीति का लक्ष्य क्या था, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, तथा एक सक्रिय और व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाकर भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थित देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित कर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास में सुधार लाना, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। मतलब ऐसा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो प्रवेश द्वार है उसके लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास करना। फिर आगे रणनीतिक साझेदार सोवियत संघ के विघटन के प्रभाव से उभरने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया है, और ये प्रयास इसने एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से और लुक ईस्ट नीति के माध्यम से ही किया है। और
ये जो है ना वर्ष 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की ताकि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को रणनीतिक रूप दिया जा सके। अब हम बात करते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि 1991-2 में आई थी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि 2014 में आई, दोनों में अंतर क्या है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संग आसियान तथा उनके आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक नीति थी। भारत वर्ष 1996 में आसियान का एक संवाद भागीदार बना, वर्ष 2002 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार भी बना, वर्ष 2012 में यह संबंध रणनीतिक साझेदारी में बदल गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1992 में जब भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की उस समय आसियान के साथ भारत का व्यापार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2010 में यही व्यापार बढ़कर 72 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF आदि जैसे कई क्षेत्रीय मंचों में भी सक्रिय भागीदार है और ये सब लुक ईस्ट पॉलिसी के बदौलत हुई। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है यह अभी नई पॉलिसी है जो कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई और यह सक्सेसर है लुक ईस्ट पॉलिसी की। तो ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है यह आसियान देशों के आर्थिक एकीकरण तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 C पर प्रकाश डाले हैं। ठीक है, जैसे कि संस्कृति, वाणिज्य, कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, कल्चरल कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, सुरक्षा और भारत की जो सुरक्षा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण आयाम है। भारत की सुरक्षा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रथम एलिमेंट है। दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में बढ़ते चीनी हस्तक्षेप के संदर्भ में भारत द्वारा नौ परिवहन की स्वतंत्रता हासिल करना और हिंद महासागर में अपनी भूमिका स्पष्ट करना एक्ट ईस्ट पॉलिसी की एक प्रमुख विशेषता है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाने की पहल भी जो है वो की गई है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच अगरतला अखौरा रेल लिंक का निर्माण इसी के तहत किया जा रहा है। फिर इंटर मॉडल परिवहन संपर्क और बांग्लादेश के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्ग की सुविधा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के तहत विभिन्न सड़क एवं पुल परियोजनाओं तथा हाइड्रिक इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के आधुनिकीकरण का काम इसी एक्ट ईस्ट नीति के तहत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यह जो भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम है, इस फोरम के तहत क्या होता है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक आधुनिकीकरण की विशिष्ट परियोजनाओं की जो पहचान है वो की जाती है और उस पर काम किया जाता है और बेहतर कनेक्टिविटी की कोशिश की जाती है। फिर अन्य पहले भी की गई है एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से, जैसे कि महामारी के दौरान आसियान देशों को दवा और चिकित्सा आपूर्ति के लिए विस्तारित सहायता। ठीक है, उसके बाद आसियान देशों के प्रतिभागियों के लिए IIT और में 1000 PhD फेलोशिप की पेशकश के साथ साथ छात्रवृत्ति की सुविधा। फिर उसके बाद किक्स इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, कम लागत वाली छोटी परियोजनाएं हैं जिनमें कम से कम समय के भीतर योजनाएं कार्यान्वित की जाएं, और ये जो परियोजना है ये कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम इत्यादि जगहों पर जो है भारत की ओर से चलाई जा रही। तो ये सब अन्य पहले हैं। अब हम बात करते हैं भारत के मध्य एशिया के साथ संबंध कैसे हैं इसके बारे में। अब हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी एक इम्पोर्टेंट देश पर डिस्कस करेंगे, किसी एक सिंगल देश पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग कई देशों पर को आधार मानकर भारत के संबंधों को डिस्कस करेंगे। भारत जो है वो दक्षिणी एशिया का हिस्सा है। ठीक है, और मध्य एशिया के साथ उसका क्या संबंध है अभी हम लोगों को यही डिस्कस करना है। देखिए, भारत और मध्य एशिया के जो संबंध है ना वो स्टार्टिंग से ही अच्छे रहे हैं, क्योंकि मध्य एशिया के जो अधिकतर देश हैं उनका उदय भारत के उदय के बाद हुआ है, भारत के स्वतंत्रता के बाद हुआ है, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन देशों का उदय हुआ, और ये सब विकासशील राष्ट्र हैं और भारत स्वयं एक विकासशील राष्ट्र है। तो भारत ने प्रयास किया था स्टार्टिंग से ही कि वो जो है ना एक तीसरी दुनिया का निर्माण कर सके जिसमें कि कई सारे विकासशील देश शामिल रहे। ठीक है, तो इस वजह से भारत ने अपनी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए मध्य एशिया के साथ अपने संबंध स्थापित किए हैं। ठीक है, और इसी क्रम में इन्होंने कई महत्वपूर्ण रणनीतिक विषयों पर समझौते किए हैं। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हम ये देखते हैं कि मध्य एशियाई देशों में कई राष्ट्रों का उदय हुआ। सोवियत से अलग होने के बाद जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे जो छोटे मोटे मध्य एशियाई देश थे उनका उदय हुआ, और ये सब जो देश हैं इनके साथ भारत ने अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश की।
भारत के संबंध चूंकि सोवियत संघ से बेहतर थे, अब सोवियत संघ टूट गया था तो भारत को आवश्यकता थी कि वह इन देशों के साथ, इन टूटे हुए देशों के साथ भी अपने संबंध को स्थापित करे। 1991 में जब इन देशों की उत्पत्ति हुई तब लगभग 30 वर्षों में भारत और जो ये सब जो देश थे इनके संबंध बेहतर करने की कोशिश की गई और अभी भी इन देशों के संबंधों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब भारत और मध्य एशिया के संयुक्त वार्ता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मध्य एशिया गणराज्यों में गणराज्यों ने भारत के साथ आतंकवाद, आतंकवादी नेटवर्क, बुनियादी ढांचा, इन सभी के विनाश की मांग की है। मतलब ये सभी एक तो गरीब देश हैं, एशिया का 2-3 देश ही बहुत अमीर देश है, जैसे कि भारत, चाइना और जापान, बाकी सब तो देश गरीब हैं। तो भारत के साथ ये सभी देश कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करते हैं और ये आतंकवाद के खात्मे की मांग करते हैं। ठीक है, और भारत के साथ मध्य एशिया ने अफगानिस्तान शांति समझौते का भी स्वागत किया था। ठीक है, और भारत ने मध्य एशिया के लिए 1 बिलियन क्रेडिट लाइन की मंजूरी दी थी, 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर क्रेडिट लाइन की मंजूरी दी और यह राशि कनेक्टिविटी तथा बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में व्यय की जाएगी। यह भी एक तरह से अच्छी पहल है। ठीक है, और फिर भारत ने और भी वार्ता किए और इसमें उन्होंने क्या किया तो चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की कोशिश की, फिर उसके साथ ही मध्य एशिया के साथ जुड़ाव को भी स्थापित करने की कोशिश जो है उसने भारत ने की है। ठीक है, अब भारत के लिए मध्य एशिया का महत्व क्या है हम लोग अब इसकी चर्चा करेंगे। पहला है रणनीतिक महत्व। देखिए, मध्य एशिया अत्यंत भू राजनीतिक महत्व वाला क्षेत्र है। मध्य एशिया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा कंटिनेंट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, आप लोग जानते भी होंगे। मध्य एशिया को जो है ना यूरोप तथा रूस का प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, और भारत की ये कोशिश रहती है कि वो रणनीतिक तौर पर इस प्रवेश द्वार पर, जो कि यूरोप और रूस का प्रवेश द्वार है, इस पर अपना वर्चस्व कायम रखे और साथ ही भारत ये कोशिश करता है कि इन देशों से संबंधों को स्थापित करके वो अपनी विदेश नीति को बढ़ावा दे और अपनी स्थिति को मजबूत करें। ऊर्जा सुरक्षा की भी जो चर्चा है वो अभी हम लोग करेंगे। मध्य एशिया राष्ट्र जो है वो ऊर्जा के भरपूर स्रोत है। मध्य एशिया में जितने भी राष्ट्र हैं वहाँ पर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि तुर्कमेनिस्तान से भारत तक तापी गैस पाइपलाइन परियोजना लाई जा रही है, जो कि एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। यह परियोजना ऊर्जा आपूर्ति का विकेंद्रीकरण करेगी तथा ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में सहयोग करेगी। ठीक है, भारत तथा तजाकिस्तान के मध्य यूरेनियम की आपूर्ति के लिए समझौता है, तो ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में, भारत चाहता है भैया इनके ऊर्जा संसाधनों का दोहन किया जाए। आर्थिक लाभ की बात करें, इन देशों के पास भरपूर मात्रा में खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं और भारत स्वयं को एक विनिर्माता स्थापित कर चुका है और ऐसे में भारत को बहुत भरपूर मात्रा में खनिज संसाधनों की आवश्यकता होगी और साथ ही अपने सामानों को बेचने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए भारत ये चाहता है कि भैया हमारे जो संबंध है वो मध्य एशियाई देशों के साथ अच्छे रहें। अब देखिए यहाँ पर कि भारत और मध्य एशियाई देशों के साथ एक समझौता हुआ, जैसे कि इस समझौता का नाम है सतपाइव तेल ब्लॉक समझौता। तो इसके माध्यम से भी भारत जो है अपनी विदेश नीति को बढ़ावा दे रहा है और ये तेल पर भी मतलब एक तरह से टैक्स फ्री व्यापार करने की कोशिश कर रहा है। फिर सांस्कृतिक महत्व भी है। देखिए, तजाकिस्तान में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा स्थापित की गई है। फिर उसके बाद योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी इन देशों ने भारत की काफ़ी मदद की है। अब भारत और मध्य एशियाई देशों में जो संबंध है उनके बीच थोड़ी बहुत चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि आतंकवाद की खात्मे की बात भारत और मध्य एशियाई देशों के लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अब तक समाप्त नहीं हो पाया है, तो यह भी एक चुनौती है। भारत द्वारा जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं उसमें देरी होती है, मध्य एशियाई देशों में थोड़ी बहुत देरी होती है, तो इससे क्या होता है कि चाइना उसमें अपने टांग घुसेड़ने की कोशिश करता है, चीन की पहुँच वहाँ बढ़ती है, तो फिर यह भी एक तरह की दिक्कत है, यह भी एक समस्या है भारत और मध्य एशियाई देशों के संबंधों के बीच। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंट में भारत में जो एक परियोजना, भारत की ओर से एक परियोजना चलाई जा रही थी, ईरान की रेल परियोजना, इसमें देरी हो रही है, तो यहाँ पर अभी दिक्कत क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी बातों को आप समझ गए होंगे। रूस के पक्ष की बात कर लेते हैं। देखिए, ये सब जो मध्य एशियाई देश है इनका निर्माण कहाँ से हुआ, पूर्ववर्ती सोवियत संघ के टूटने की वजह से हुआ, तो रूस का प्रभाव अभी भी इन देशों पर है और हाल के कुछ समय में भारत की नीतियाँ अमेरिका की तरफ झुक रही हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो मध्य एशियाई देश हैं वो चूंकि रूस से एक समय अलग हुए थे, तो रूस का प्रभाव तो रहेगा ही, तो मध्य एशियाई देशों को ये स्टंट अच्छा नहीं लगता है इंडिया का कि वो अमेरिका की ओर झुके, और ऐसे में रूस और चीन का जुड़ाव बढ़ रहा है और इससे क्या हो रहा है कि एक तरह से भारत के संबंध प्रभावित
हो रहे हैं। ठीक है, अगर निष्कर्ष की बात करें तो हमें ये निष्कर्ष, हमारे सामने ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि ऊर्जा की आवश्यकता तथा मध्य एशिया के रणनीतिक महत्व को देखते हुए भारत की मध्य एशिया में पहुंच को बढ़ाना और भी अनिवार्य है, और ऐतिहासिक संबंधों के कारण भारत की मध्य एशिया में पहुँच अभी सरल है और भारत को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी शक्ति को मध्य एशियाई क्षेत्र में बढ़ाए। ठीक है, अब बात करते हैं भारत अफ्रीकी संबंधों का उल्लेख कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर भारत अफ्रीकी संबंधों को देखेंगे, इसको हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए भारत अफ्रीकी संबंध की अगर हम बात करें तो ये 1955 से स्टार्ट होती है जब बांडुंग सम्मेलन होता है, और इसमें भारत पहली बार एशियाई और अफ्रीकी देशों को साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ साथ आने का आह्वान करता है। इसके साथ ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत की भूमिका को यहाँ पर चिन्हित किया गया, और इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बाद भारत ने कई अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंध स्थापित किए, जैसे कि पीपुल टू पीपुल संबंध। ऐतिहासिक रूप से भारतीय व्यापारी पूर्वी अफ्रीकी तट पर हमेशा जाते रहे हैं, यात्रा करते रहे हैं और अभी भी करते हैं, एवं बंदरगाह में स्थानीय निवासियों के साथ ये सब संबंध स्थापित करते थे। इस प्रकार अफ्रीका में भारतीय पारिवारिक व्यवसायों की स्थापना हुई, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं, और एक प्रभावशाली भारतीय डायस्पोरा की उपस्थिति के कारण कई अफ्रीकी देशों के साथ भारत के सकारात्मक संबंध अब भी कायम है। देखिए ये रहा भारत और यहाँ पर है अफ्रीका। ठीक है, और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ज्योग्राफी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका से ही टूटकर भारतीय उपमहाद्वीप अलग हुआ था, और एक समय आने के बाद यह एशिया के क्षेत्र से जा कर के लग गया। आप लोग एक चीज़ और भी नोटिस किए होंगे कि जो शेर है ना, शेर, गिर शेर, वो जो एशियाटिक लायन है, वो केवल और केवल विश्व में दो ही जगह पर पाए जाते हैं। एक तो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, और दूसरा भारत के ही गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है, गिर के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक समय में ये भारत जो है ना, यह भी अफ्रीका का ही टुकड़ा रहा था। ठीक है, और बाद में अफ्रीका से टूटने के बाद ये जब खिसक रहा था, तो खिसकते खिसकते ये एशिया महाद्वीप में जाकर के लग गया। तो जब ये टूटा तो अपने साथ शेर, जंगल इत्यादि को भी तोड़ कर ले गया। और आप ये भी देखते हैं कि जो भारत का जो ये दक्षिणी साउदर्न इलाका, दक्षिण इलाका, यहाँ पर पठार पाए जाते हैं, जैसा कि पठार और जंगल पाए जाते हैं, जैसा कि पठार और जंगल यहाँ पर अफ्रीका में पाया जाता है। तो ऐसा है कि प्रभावशाली भारतीय डायस्पोरा था और अभी भी है, और इस वजह से भारत ने अपने संबंध जो है वो कई अफ्रीकी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। देखिए अगर हम मानचित्र पे देखें तो भारत इधर पड़ता है और अफ्रीका इधर पड़ता है, और जब क्या कहते हैं, भारत गुलाम हो रहा था, उस समय भी अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। अंग्रेज क्या कर रहे थे, अफ्रीका के गरीब लोगों को उठा करके अमेरिका में पहुंचा दे रहे थे, अमेरिका से सोना ले रहे थे, और फिर ये इन सोना को लेकर के भारत आ रहे थे, और फिर भारत आने के बाद ये क्या करते थे, तो भारत से व्यापार करके भारत के संसाधनों का दोहन करके वापस ये लोग क्या कहते हैं, इंग्लैंड चले जाते थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। अब चीन प्रभाव से मुकाबला की बात करें, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और पीपुल टू पीपुल संबंधों के माध्यम से अफ्रीका में भारत की मौजूदा सामाजिक पूंजी के कारण अफ्रीकी देशों द्वारा चीन के मुकाबले भारत को अधिक महत्व दिया जाता है। चीन को कम महत्व देते हैं अफ्रीकी लोग, भारत को ज़्यादा महत्व देते हैं, यह भी भारत के लिए एक अच्छी बात है। रणनीतिक सहयोग भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के माध्यम से अफ्रीका के विकास के लिए साझेदारी बनाने में भारत और जापान दोनों के साझा हित निहित हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विकासशील दुनिया के नेतृत्व प्रदान करना। देखिए जो विकासशील दुनिया, अफ्रीका बहुत कोई रईस देश नहीं है, अफ्रीका भी एक समय यूरोपियंस के उपनिवेशवाद से ग्रस्त था, तो जिस तरह भारत और अफ्रीका ने एक साथ उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दोनों अब एक न्यायसंगत लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था के लिए भी एक साथ सहयोग कर सकते हैं, और इसमें अफ्रीका और भारत में रहने वाली लगभग एक तिहाई जनसंख्या शामिल है। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका को प्रगति की राह पर चलने में मदद करने में भारत की आंतरिक रुचि है, और हालांकि यदि अफ्रीका में निवेश के मामले में भारत चीन का मुकाबला कर सकता तो आज परिस्थिति भारत के पक्ष में होती। मतलब चाइना की पहुंच अब अफ्रीका तक जा पहुंची है, और भैया चाइना अथाह निवेश अब अफ्रीका के अंदर कर रहा है, और यह भारत के लिए नुकसानदायक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को भी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत की आंतरिक सुरक्षा व चुनौतियां क्या है, चर्चा कीजिए। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा पानी घटक लेता हूँ, प्यास लगी पड़ी है। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, ऊपर में क्वेश्चन क्या था वो मैं भूल गया हूँ, एक सेकंड देख लेता हूँ कहाँ चला गया अभी। हाँ, भारत की आंतरिक सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा का क्या मतलब समझते हैं भाई? देखिए, आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ होता है एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षा। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अगर पुराने समय की बात करें, जब हमारा भारतवर्ष आजाद नहीं हुआ था, उस समय आंतरिक सुरक्षा के केंद्र में था धरना प्रदर्शन, रैली, सांप्रदायिक दंगे और धार्मिक उन्माद। ऐसा है कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो भारत को आजाद करने के लिए सब ये चाहते थे कि कितना भी धरना प्रदर्शन हो जाए, रैली हो जाए, सांप्रदायिक दंगे हो जाए, लेकिन भारत आजाद हो जाए। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, तब विज्ञान और तकनीकी का जब विकास हुआ, तब अभी जो है आंतरिक जो सुरक्षा का मामला है वो और भी अधिक संवेदनशील और जटिल हो गया है। आंतरिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यूपीएससी सिविल सर्विस के अंदर इसका एक सब्जेक्ट भी है, भारत की आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, इसका अध्ययन भी होता है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब चलिए बात कर लेते हैं सीधे सीधे मुद्दे पर। देखिए, जो अभी का आंतरिक सुरक्षा है वो बहुत ही जटिल है और यह अभी एक बड़ी चुनौती के रूप में हमें सामने देखने को मिलती है। देखिए, चूंकि आतंकवाद जो है वो कई देशों में पांव पसार चुका है, कई देश के भीतर क्या होते हैं कि छोटे मोटे ऐसे संगठन बन जाते हैं जो अपने ही देश को तोड़ने का काम करते हैं, तो आंतरिक सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन करके अभी उभरा है। ठीक है, और भारत के आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे क्या, हम लोग इसको भी जानेंगे समझेंगे। अभी पहले हम जानते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के घटक क्या हैं। तो सबसे पहले राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा, देश में आंतरिक शांति और सुरक्षा को शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, ये आंतरिक सुरक्षा के घटक है। अब बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा के समक्ष जो उत्पन्न चुनौतियां हैं उसके बारे में। देखिए, भारत की भू राजनीतिक स्थिति, इसके पड़ोसी कारक, विस्तृत एवं जोखिम जो भरी स्थलीय, वायवीय और समुद्री सीमा है, इसके साथ देश के ऐतिहासिक अनुभव इसे सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील बनाते हैं। अब इसके दृष्टि से भारत में कई आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं जिसको अभी मैं बताऊंगा। जैसे कि नक्सलवाद, ये जो नक्सलवाद है भैया, यह एक तरह का बहुत ही मतलब घिनौना रूप अभी ले चुका है यह नक्सलवाद। ये एक तरह से क्या होता है कि नक्सली लोग जहाँ तहाँ बम विस्फोट करते हैं, मानवीय मूल्यों को नुकसान पहुँचाते हैं। हालांकि जब ये नक्सलवाद स्टार्ट हुआ था, यह एक मतलब बुरा आंदोलन नहीं था, इसकी एक अच्छी हिस्ट्री है। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से। ठीक है, और यह आंदोलन इस बात को लेकर के हुई थी कि उस समय जब भारत आज़ाद हो गया था, उस समय भी यहाँ पर कई अमीर लोग क्या कर रहे थे, तो गरीब लोगों को, गरीब किसानों की ज़मीन को हड़पे हुए थे और गरीब लोगों से वहाँ काम करवाते थे। इसी के विरोध में यह सकारात्मक आंदोलन हुआ था, लेकिन इस आंदोलन ने एक तरह से कई राज्यों को अपने चपेट में ले लिया और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हजारों लोगों की मौत हुई इस नक्सलवाद की वजह से। और आज नक्सलवाद जो है वो देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद है। हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर कई तरह की धार्मिक कट्टरता और निर्जातीय संघर्ष देखने को मिलते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का मुद्दा ज़्यादा बढ़ता है, निर्जातीय संघर्ष, अब क्या होता है कि कुछ लोग विकसित होते हैं, कुछ लोग अल्प विकसित होते हैं, तो दोनों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। यह भी हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने एक चुनौती है। भ्रष्टाचार भी एक चुनौती है, जैसे अभी पार्थ चटर्जी के बारे में आपने सुना होगा, बंगाल के मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सीबीआई घोटाला, सॉरी ये सिसोदिया घोटाला सुना होगा आपने, लिक्वर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है वह भी भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के रूप में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर करके आई है। मादक द्रव्य व्यापार, जैसे कि ऊपर में मैंने स्वर्णिम त्रिभुज की बात की थी, जिसमें कि आपको म्यांमार और फिर जो अपने भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं इनके बीच में मादक द्रव्यों का व्यापार होता है, तो यह भी एक तरह से भारत की क्या कहते हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए काफ़ी समस्या है। अब आगे देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, पैसा ले लिए भैया, निकल करके चल दिए, पैसा लेकर के भाग गए। ठीक है, काला धन को वैध बनाना ही मनी लॉन्ड्रिंग है। मतलब इसमें क्या होता है कि अवैध स्रोत से अर्जित पैसे को आय के रूप में वैध बनाकर दिखाया जाता है और
इसमें शामिल धन को मादक द्रव्य व्यापार, आंतरिक फंडिंग, आतंकी फंडिंग और हवाला इत्यादि गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ठीक है, जिसके लिए ईडी जो है समय समय पर कार्य करती है, समय समय पर एक्शन लेती है। फिर विदेश जो अपने इंडियन लोग हैं वो क्या करते हैं, पैसा लेकर के भाग जाते हैं विदेशों में, यह भी एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग ही है, ठीक है। तो ये सब समस्याएं भी हमारे लिए भी एक आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौती है। आतंकवाद बहुत ही अंदर तक फैल चुका है, जैसे जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं, बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। संगठित अपराध देखने को मिलता है, कई दल संगठित होकर के अपराध करते हैं, घोटाले करते हैं, जैसे कि अभी आप पार्टी पर इल्ज़ाम लग रहा है, आरजेडी पर इल्ज़ाम लग चुका है, कुछ लोग बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये सब संगठित अपराध करते हैं जिनके जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये लोग अपराध करते हैं। ये संगठन, मैं सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, एनजीओ भी इस तरह के अपराध करते हैं, फिर उसके बाद कई छोटे मोटे संगठन भी इस तरह के अपराध करते हैं, संगठित अपराध, जैसे पीएफआई, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया है शायद, ये सब भी एक तरह से संगठित अपराध करती हैं, ठीक है। अब देखिए आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की खामियों की बात कर लेते हैं, ये सब जो चुनौतियां हैं किस वजह से हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए अमेरिका, ब्रिटेन जैसे जो विकसित देश हैं, ये क्या करते हैं, अपने आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत को समय समय पर संशोधित करते हैं और सार्वजनिक चर्चाएं भी आयोजित करते हैं, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और इस वजह से भारत की ये समस्या आज भी जटिल है, आज भी समस्याओं का कारण जो है ये सारी समस्याएं आज भी समस्याओं का कारण जो है यह ठीक नहीं हो पाया है, आज भी कई सारी समस्याएं मौजूद हैं, ठीक है। देखिए अधिकांश राज्यों में पुलिस अभी भी पुरातन व्यवस्था के अनुपालन को मजबूर है और यह भी एक तरह से समस्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में पुलिस सुधारों को लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद तमाम राज्यों ने इस पर कोई काम नहीं किया, ठीक है। उसके न्यायिक निर्देशों के अनुपालन के लिए भारत सरकार ने कभी गंभीरता दिखाई ही नहीं है, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस विधेयक को भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। तो यह सब भी एक समस्याएँ हैं, ठीक है। अब आंतरिक सुरक्षा को हम सही कैसे कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर से लेकर के स्थानीय स्तर तक खुफिया तंत्र का जो एक सिस्टम है, जो खुफिया तंत्र है, एक खुफिया तंत्र का सिस्टम, क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं गलती बोल रहा हूँ, जो खुफिया तंत्र है इसमें सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सुरक्षा पर गठित कैबिनेट जो है उस समिति को एक तरह से और भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उसी के साथ साथ केंद्र सरकार को, सभी राज्य सरकारों को उनके सुरक्षा प्रबंधन के विषय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूक किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सब मुद्दे हैं, आगे बढ़ते हैं। राज्यों के पुलिस बल के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, जो राज्य का जो पुलिस बल है उसके आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है। संगठित अपराध से निपटने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद सीमा को तकनीकी की सहायता से प्रबंधित व निगरानी करने की आवश्यकता है, ठीक है। निश्चित ही सरकार ने इस दिशा में प्रयास किए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना की है, भारतीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की है, फिर रक्षा नियोजन समिति की स्थापना की है, लेकिन ये सब इतने भी पर्याप्त नहीं हैं और इस दिशा में और भी सुधार की आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव के उल्लेख कीजिए। तो वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण हो जाना, विश्व का एकीकृत हो जाना वैश्वीकरण है। इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो सेशन में भी कर चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, साथ ही मैंने पिछले कई वीडियो सेशंस में बीपीएससी 133, 134, बीपीसीएस 187, बीएसओजी 177, इन सभी वीडियो सेशंस में मैं वैश्वीकरण की चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। तो विश्व का कई स्तरों पर एकीकृत हो जाना, सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक स्तरों पर एकीकृत हो जाना वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए वैश्वीकरण का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, वैश्विक बाजारों को एक करना। तो ऐसा है कि वैश्वीकरण की वजह से एक देश का सामान दूसरे देश में बिक रहा है, ठीक है, दूसरे देश का सामान तीसरे देश में बिक रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि उत्पादों की खपत में वृद्धि हुई है, जितने भी उत्पाद बन रहे हैं वो पूरे विश्व भर में बिक रहे हैं, तो उत्पाद की खपत में जो है वृद्धि हुई है। और इससे क्या हो रहा है कि पारिस्थितिक चक्र जो है वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है। और वैश्वीकरण ने कच्चे माल और भोजन के परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वृद्धि की ओर अग्रसर किया, और स्थानीय रूप से लोग जो पहले सामान्य भोजन का सेवन करते थे, वैश्वीकरण से क्या हो रहा है कि लोग उन उत्पादनों का उपभोग भी कर रहे हैं जो कि विदेशों में विकसित किए गए हैं, ठीक है। और अब चूंकि इन उत्पादों का परिवहन होगा तो इसके
परिवहन में, इसके आवाजाही में ईंधन तो खर्च होगा और इससे क्या होगा कि पर्यावरण के प्रदूषण में वृद्धि होगी, ठीक है, और इससे पर्यावरण संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होगी, ठीक है। अब जैसे कि ईंधन ईंधन जो जलेगा इससे क्या होगा कि उत्सर्जित होने वाली जो गैस है वो ग्रीन हाउस के प्रभाव को बढ़ावा देंगी। उसके साथ साथ ही विमान से जो धुएं उत्सर्जित हो रहे हैं, सॉरी धुएं नहीं, जो उत्सर्जित हो रहे हैं गैस, वो भी ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देंगे। ओजोन परत की कमी को बढ़ावा देंगे, ओजोन लेयर के क्षरण को बढ़ावा देंगे। इससे क्या होगा कि एक तरह से औद्योगिक कचरा भी पनपेगा, फिर उसके बाद जो कचरे हैं उसको महासागरों सागरों में फेंका जाएगा, इससे पानी के नीचे के जीव मरेंगे, साथ ही समुद्र में कई हानिकारक रसायन जमा होंगे और इससे समस्याएं जो है वो और भी बढ़ेंगी। वैश्वीकरण से क्या हुआ कि औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला, उद्योग धंधे विकसित हुए, रासायनिकों का प्रयोग काफ़ी मात्रा में हुआ और इन रासायनिकों को ऐसे ही मिट्टी में छोड़ दिया गया, अभी भी छोड़ा जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप कई हानिकारक खरपतवार और पौधे विकसित हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कांग्रेस खरपतवार है, उसके बाद वाटर हाइसिंथ है, ये सब क्या कर रहे हैं, एक तरह से विषैले कचरे के रूप में एक तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। फिर भूमि संसाधनों पर भी दबाव जो है वैश्वीकरण ने डाला है, क्योंकि वैश्वीकरण क्या कर रहा है तो नगरीकृत हो रहा, नगर को नगरीकृत कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के रहने को मजबूर है, नौकरी पाने की तलाश में लोग गंदे कचरे जगहों पर भी जाकर के रह रहे हैं और भूमि को गंदा कर रहे हैं, तो इससे भूमि संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रास्ते के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, फिर नई इमारतों के लिए बड़े पैमाने पर बंजर भूमि को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो कि वैश्वीकरण में आई हैं और वैश्वीकरण के बदौलत ये सभी चीज़ें, ये सभी घटनाएं क्या कर रही हैं, तो पर्यावरण में एक तरह से सेंध लगाने का काम कर रही हैं। और ये सभी घटनाएं जो कि हम अभी देख रहे हैं, इसने हमारे जीवन में इतने बदलाव किए हैं कि एक तरह से इसने हमारे जीवन को जितना ठीक किया है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। जैसे कि अभी की बात कर लेता हूं मैं, अभी का मौसम बिहार के अंदर इतना ख़राब है कि हर घर में कोई ना कोई फीवर से पीड़ित है, क्योंकि सितंबर में अक्सर बिहार के अंदर उतनी बारिश देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अभी सितंबर आ चुका है, लेकिन यहां पर ऐसी बारिश होती है, कभी बारिश होगी, कभी धूप रहेगी और कभी गुमस का एहसास होगा। और अभी अभी अमरूद का मौसम है, अभी आप 2-4 अमरूद खा लेंगे ना तो तुरंत तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब समस्याएं हैं। वैश्वीकरण से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला, औद्योगिकीकरण ने क्या किया तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और इससे इनडायरेक्टली मनुष्य को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाएं और मानव जाति के अस्तित्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और मानव जाति का अस्तित्व पर्यावरण पर निर्भर है और इस वजह से हम अपने अपने तरफ से कोई भी ऐसे कार्य नहीं करें जिसके कि दुष्प्रभाव हमें बाद में देखने को मिले, ठीक है। तो आई होप आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के पर्यावरणीय मुद्दे कौन से हैं। तो देखिए भैया, 1.3 अरब से अधिक आबादी के साथ भारत जल्द ही चीन को पिछाड़कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती आबादी वाला देश है और इससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान हो रहा है। हालांकि भारत जो है वो जनसंख्या के तौर पर विकसित तो हो रहा है, लेकिन पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण में सबसे पीछे है और इसी वजह से आज भी भारत कई पर्यावरणीय समस्याओं से ग्रसित है। इनमें से जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सामने निखर करके आ रही हैं इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि भारत में सबसे अधिक बुरी परिस्थिति इसी वायु प्रदूषण की है। वायु प्रदूषण में क्या होता है कि औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला है और इससे क्या हो रहा है कि औद्योगिक गैस के जो धुएं हैं या जो औद्योगिक गैस है वो पर्यावरण में ऐसे ही छोड़ दिए जा रहे हैं, इससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और रिकॉर्ड स्तर पर भारत में 20 में से 11 शहर जो है अभी प्रदूषित माना जा रहा है, वो भी वायु प्रदूषण से प्रदूषित है, ठीक है। वायु प्रदूषण के मामले में भारत 180 देशों में से 141वें स्थान पर है। सोचिए कितना बुरा हालात अभी हमें देखने को मिलता है। भूजल स्तर में गिरावट देखने को मिली है। ऐसा है कि देश में जो है ना व्यापक स्तर पर मौसम में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि पानी को स्टोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं।
इससे कम वर्षा हो रही है और भूजल जो है गिरता जा रहा है और ये हमारे लिए समस्याओं का कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन हमारे जो कृत्य हैं, हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं, इससे क्या होता है कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। औद्योगिकीकरण हम कर रहे हैं, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, जहरीली गैसें वायुमंडल में छोड़ी जा रही हैं, ओजोन को नुकसान, ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज सीधे हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमको नुकसान होता है। ठीक है, तो पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव भी हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और ये भी भारत में पर्यावरणीय मुद्दे हैं। जैसे कि मई 2016 में राजस्थान के फलोदी में 51 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दर्ज किया गया था, यह देश का अब तक का सबसे अधिक तापमान था, सबसे अधिकतम तापमान था। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग हम काफ़ी बृहद स्तर पर कर रहे हैं। अब ये प्लास्टिक जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये गलती नहीं है, ये सड़ती गलती नहीं है। अब ये सड़ती गलती नहीं है तो क्या है कि इसे पर्यावरण में या हमारे आसपास जहाँ तहाँ फेंक दिया जाता है, इसको गाय जानवर भेड़ बकरी जो भी है खा लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और अगर ये इसको कोई खाता भी नहीं है तो ये सड़ता गलता नहीं है और ये जहाँ पर भी रहता है आसपास को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, और 2006 में भारत में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में लगभग 4 किलोग्राम प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, जो 2010 में 8 किलोग्राम हो गया, 2020 में यही 27 किलोग्राम हो गया। तो इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ठीक है, भारत में कचरा निपटान की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है और 130 मिलियन परिवारों के पास अभी भी शौचालयों का अभाव है। भारत की लगभग 72% से अधिक आबादी, ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है। इससे क्या होता है कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। जैव विविधता की भी क्षति हमें देखने को मिलती है, जैसे कि क्या होता है ना कि कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो कि हमारे गलत कार्यकलाप की वजह से खत्म होती जा रही हैं। जैसे कि भारत में एक डोडो पक्षी पाई जाती थी, अब डोडो पक्षी भारत से समाप्त हो चुकी है, अब ये पृथ्वी पर है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी जो जीवन शैली है इसमें परिवर्तन की वजह से जैव विविधता को भी नुकसान हो रहा है और यह भी भारत में एक पर्यावरणीय मुद्दे के तौर पर उभर कर हमारे सामने आया है। भारत में जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं ना, उसके दो कारण हैं। ठीक है, और इसमें से पहला कारण है जनसंख्या विस्फोट और दूसरा है अरबों लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ और प्रकृति के साथ छेड़छाड़। और यही दो चीज़ें जो हैं हमारे लिए आज समस्या का कारण है, हमारी पर्यावरणीय चुनौतियों का एक मुख्य कारण है। सरकारी एजेंसी और पर्यावरणीय संगठनों द्वारा किए गए प्रयास के बावजूद भी जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का अभाव हमें देखने को मिलता है और इस वजह से हम आज भी इन समस्याओं से उभर करके बाहर नहीं आ पाए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, भारत एक विकसित देश नहीं है और यह निरंतर गति से चलायमान अर्थव्यवस्था है। आज के समय में विश्व के राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए आर्थिक अंतर ने विकास के प्रयत्नों की आवश्यकताओं को और अधिक आवश्यक बना दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है क्योंकि यह एक तरफ कहीं पर विकसित होने के कगार पर पहुंच गया और कहीं कहीं पर यह अब भी विकसित हो रहा है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है, इस पर हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो नियोजित अर्थव्यवस्था है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास का काम करती है। ठीक है, जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग भारत में अच्छे चल रहे हैं, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, कोयला उद्योग, ये सब उद्योग जो है भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास का काम करते हैं और इससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर बैंकिंग सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जाता है और यहाँ पर बराबर रूप से बैंकिंग सुविधाओं का विकास हो रहा है। जून 1969 में भारत के व्यापारिक बैंकों की 8,262 शाखाएं थी, लेकिन जून 2007 के अंत तक इन शाखाओं की संख्या 72,165 हो चुकी है। तो यह भी हम देखते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है वह भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है, यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। बचत और पूंजी निर्माण दरों में वृद्धि जो है वह भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। सामाजिक सेवाओं के विस्तार का काम भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं का विकास हो, इसके लिए भारत निरंतर प्रयास करते रहता है। सामाजिक परिवर्तन की कोशिश भी जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से की जाती है। जो थोड़ी बहुत जो छुआछूत या बाल विवाह इत्यादि जैसी जो बुराइयाँ हैं इसको कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं इसको। अब आगे है बाजार तंत्र। बाजार तंत्र के विकास का भी काम भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो करती है। ठीक है, और
कोशिश करती है कि यहाँ वस्तुओं के साथ साथ श्रम एवं पूंजी के संगठित बाजार भी आगे की ओर बढ़े। गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के उपाय का भी काम भारतीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से होता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ये कोशिश की जाती है कि गरीबी और बेरोजगारी की समाप्ति हो, नवीन प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। कृषि पर निर्भरता हमारी अब भी बनी हुई है और यह एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भारत और एशियान संबंधों का उल्लेख कीजिए। देखिए आसियान जो है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए हुई थी और तब से लेकर यह अब तक में अपने 50 वर्षों के इतिहास में एक मिसाल कायम की है इसने, ठीक है, आसियान ने। और आसियान की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान के लक्ष्य और उद्देश्य की बात करें तो आसियान डिक्लेरेशन के अनुसार आसियान का लक्ष्य दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पारस्परिक सहयोग एवं संधि को बढ़ावा देना, आसियान देशों में न्याय और कानून के शासन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही आसियान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन के प्रति भी दृढ़ कृतज्ञ या प्रतिज्ञ है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधाओं को प्रदान करने का काम भी आसियान करता है। आसियान देशों के बीच शैक्षणिक, पेशेवर, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के संबंध में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने का काम भी आसियान का एक प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य के सापेक्ष साझा सहयोग को बढ़ावा देना भी आसियान का एक प्रमुख उद्देश्य है। भारत के लिए आसियान का क्या महत्व है? देखिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार जो है भारत आसियान को मानता है और आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ट्रेड पार्टनर है, जबकि भारत आसियान के लिए उसका सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। अब देखिए भारत के लिए यह आर्थिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में अगर भारत को संबंध स्थापित करने हैं तो इसको आसियान की मदद लेनी ही पड़ेगी और पिछले 2 दशकों में भारत का आसियान देशों में निवेश $70 अरब रहा और भविष्य में इसमें वृद्धि की व्यापक संभावनाएं हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी आसियान महत्वपूर्ण है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील होने के साथ साथ अल्प विकास का भी शिकार रहा और इस दृष्टि से आसियान के साथ सहयोग भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आप लोग इन सभी बातों को समझ गए। भारत और आसियान की अर्थव्यवस्था साथ मिलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अब ये सब समाप्त हुआ, अब समस्याएं एवं चुनौतियां भी हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत और आसियान देशों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी भारत म्यांमार थाईलैंड IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में सामने आ रही समस्याएं इन चुनौतियों के प्रमुख कारण हैं। चीन के अनिश्चित व्यवहार के कारण हिंद महासागर में भी अनिश्चितता बढ़ी है, यह भी आसियान के लिए एक समस्या है। आगे की राह की अगर हम बात करें तो दोनों पक्षों को, जो आसियान और भारत है, इन्हें अपने कनेक्टिविटी कॉरिडोर और ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास करने होंगे, ठीक है। और भारत और आसियान को मुक्त व्यापार समझौते का इष्टतम उपयोग करना होगा। भारत को बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को आर्थिक रूप से एकीकृत करना चाहिए ताकि किसी भी मुद्दे पर वे भारत की चिंताओं के प्रति सजग रहें। तो आई होप आप लोग इन सभी बातों को भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। आसियान अपने संचालन के आरंभिक वर्षों के दरमियान एक कुछ विशेष मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करता है, फिर तय लक्ष्य के उपरांत ये अपने अन्य क्षेत्रों में ये कदम अपने बढ़ाता है, ठीक है। आसियान के सदस्य देश अब अपने अपने यहाँ प्रवेश के नियमों में ढील देने के लिए सहमत हो गए हैं और इससे जो है ना बेहतर कनेक्टिविटी एक तरह से मिलेगी और यह विकास और समृद्धि की पहली शर्त होगी। तो आई होप आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है G20 पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए 20 देशों की एक यह एक समिट है और इसमें 20 देशों के वित्त मंत्री, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं और इनमें जो प्रमुख 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आगे मैं बताता हूँ अगले पेज में। यहाँ पर कहाँ चला गया भाई, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, मेक्सिको और सऊदी, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सब इसके सदस्य हैं और इन्हीं देशों के जो विदेश मंत्री होते हैं और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं इस समिट में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। और इसमें वो अपने देश के आर्थिक विकास के कार्यों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं।
इस सम्मेलन में प्रतिनिधि के तौर पर 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल होता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन शामिल होता है। और नेताओं के शिखर सम्मेलन में 19 देशों के नेता और यूरोपीय संघ के नेता शामिल होते हैं। और मंत्री स्तरों की बैठक में 19 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष स्पेन को एक तरह से क्या कहते हैं एक अस्थायी स्थिति के तौर पर बुलावा मिलता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होते हैं कि एक तरह से आसियान देशों के अध्यक्ष जो हैं वह भी मेजबानी करते हैं, और जो अध्यक्ष होते हैं उसमें से 2 अफ्रीकी देश के अध्यक्ष होते हैं साथ में, और एक अलग देश होता है जो कि G20 का ही होता है, ठीक है। तो ये सब मिल करके काम करते हैं और फिर अपने देश के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो 112 पेज का था ये अब समाप्त हो चुका है। अब इसमें एक भी प्रश्न नहीं है। जिनको भी ये PDF चाहिए व्हाट्सअप कर सकते हैं 9523779253 पर, या फिर आप क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो वेबसाइट लिंक है वहाँ पर जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर आप लोगों से बातें कर पाऊँगा, मैं अपनी जो बातें हैं वो आप लोगों के सामने रख पाऊँगा और मैं अपने जो मुद्दे हैं वो आप लोगों से शेयर कर पाऊँगा, जो डिस्कशन है वो आप लोगों से कर पाऊँगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैंने डिस्कशन किया है, इसमें अगर कोई त्रुटि अथवा कमी नज़र आती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है एक फीडबैक ज़रूर दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।